ओके जी, सो वेलकम एवरीवन। आई थिंक हमारे गेस्ट लोग आए हैं, हरिओम और दीपांशु, प्रत्या, ये लोग होंगे, नेहा हैं। अगर आप लोग अवेलेबल हो तो वीडियो ऑन कर सकते हो सो दैट सब लोग देख पाएँ। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ओके, नमस्ते सर। हाँ लखराज, नमस्ते। अभी हो। और हाँ बाकी लोग, कैसा चल रहा है लखराज? बॉम्बे में मजा आ रहा है? हाँ सर, बस एकेडमिक्स चल रहा है अभी तो। अच्छा, कैसा लग रहा है? आईआईटी बॉम्बे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, मतलब अलग ही एनवायरनमेंट है। अच्छा। हाँ हाँ, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं, काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, चीजें समझ में भी आ रही है, बहुत मजा आ रहा है सर। मजा आ रहा है ना? बाकी तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक दीपांशु आप भी ऑन कर सकते हो वीडियो। जो भी लोग हैं, इनवाइट तो बहुत लोगों को किया था लेकिन सबका अपना अपना शेड्यूल है लाइफ में, तो दीपांशु आई थिंक अवेलेबल है एंड हरिओम भी अवेलेबल था ना? यस सर, बस हाँ, यस यस, हाँ कोई बात नहीं, अभी टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो दिन में ऑलरेडी हमने सेशन किया था, उसमें मेनली कानपुर के साहिल और ये लोग थे, साहिल और एकता ज्वाइन किए थे और उधर अखिलेश भी था। अभी जो जो लोग हैं खुद ही बता दो, तब तक बताओ भाई। तो तुम्हें से स्टार्ट करते हैं लखराज। तो एक बार बताओ कैसे कैसे शुरू किए जैम का, कहाँ से हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन बता दो अपना आप, और कैसे कैसे तैयारी हुई, अभी तक कैसा जर्नी रहा, एक बार बताओ डिटेल में सो दैट लोग समझे। फिर बाकी लोगों से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा ये सीन था कि मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है मैंने। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद सब्सिडियरी स्टैटिस्टिक्स। Statistics is my minor subject, but I am familiar with the statistics, so that I joined you sir. And मतलब कि उसके बाद में काफी कुछ सीखा। कॉलेज में इतना होता नहीं है, रेगुलर क्लासेस थी नहीं, तो मतलब स्टैटिस्टिक्स का भी ज्यादा नॉलेज था नहीं। बट आपको जब से ज्वाइन किया था फिर काफी चीजें समझ में आई, फिर धीरे धीरे हो गया IIT बॉम्बे में। अब यहाँ पे MSc स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैथ्स था नहीं, तो अभी फर्स्ट सेम में तो मैथ्स की सब्जेक्ट चल रही है ना, तो दिक्कत हो रहा है, पर चल रहा है, सही है, अच्छा हो रहा है। हाँ वो तो रहता है क्योंकि इनिशियली आईआईटी का एक इन्वायरमेंट समझने में भी टाइम लगता है, तो एक सेमेस्टर सब लोग स्ट्रगल करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट समझने में कि क्या पढ़ाई कर रहे हैं। सर वो एक और दिक्कत थी कि मैं यूजी किया था ना, तो मेरे ईयरली सिस्टम था एग्जाम्स का, और यहाँ पे आते मतलब मिड सेम होता है, एंड सेम होता है, क्विजेस भी होते हैं, तो मतलब बहुत अलग चीजें देखने को मिली, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी, पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। हाँ कॉलेज में एक तो आदत नहीं रहती है डेली पढ़ने की ना, तो हाँ हाँ कॉलेज में डेली, हाँ डेली पढ़ना पड़ता है क्योंकि कभी भी क्विज हो जाएगा और फिर कभी भी एग्जाम। हाँ, ऐसा ही चल रहा है। और हर एक दो महीने पे मिड सेम और एंड सेम, क्योंकि 4 महीने का सेमेस्टर ही होता है अराउंड, 2 महीने, हर 2 महीने बाद मिड सेम फिर एंड सेम, वैसे रहता है। और कभी भी क्विज हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट के, पर वीक समझो कोई ना कोई क्विज होते रहते हैं, तो ये रहता है। अब जैसे मंडे को क्विज है, ट्यूसडे को 2 क्विज है। हाँ तो वही फिर अलग से प्रेशर रहता है उसका। फिर कॉलेज में अच्छे होते हैं, वहाँ पे जाके लगता है कुछ आता ही नहीं है, ऐसा भी होता है ना? हाँ हाँ हाँ। बीएससी में लगता है बहुत कुछ आता है। हाँ हाँ ऐसा ही हो रहा है। वो है, ठीक है। एक बार बताओ कैसे कैसे तैयारी की है और कैसे कैसे क्या रहा। आपने बता दिया कहाँ से हो, जैसे क्या बुक फॉलो किए, जो 25 वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, कैसे क्या मिस्टेक नहीं करने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए। एग्जाम में 100 दिन बचे हैं, है ना? सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तब हम लोग वही PYQ और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स टाइप से। तो अभी 20 तारीख से, कल से स्टार्ट है। तो अभी मैं सोचा सेशन रख देते हैं, बच्चे कुछ जो मन में कुछ चल रहा होगा, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे, अभी कुछ टेंशन में होंगे, तो उनके कुछ आंसर्स मिल जाएंगे। और मैं तो रोज़ बताता रहता हूँ, तो आप लोगों से मिल जाएंगे, तो उनको एक समझ आएगा कि हाँ हम भी इस तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली मेरा डेली रूटीन था कि मैं जो सर आप पढ़ाते थे ना उसको रेगुलर करता था, और जो डाउट सेशन होते थे उनको अटेंड करता था, ग्रुप में भी डिस्कशन में इन्वॉल्व होता था, तो बच्चों को एक चीज़ तो करनी चाहिए कि जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है ना, उसमें चाहे तुम्हें क्वेश्चन आए या ना आए, इन्वॉल्व हो। उससे मतलब कि जो प्रॉब्लम्स और बच्चों की है ना, वो तुम्हारी भी होगी, या फिर तुम्हें आता है तो कुछ और अच्छा सीखने को मिलेगा। और PYQs का है कि PYQs कम से कम, जैसे सर आप बताते रहते हो कि 4-5 बार तो होना ही चाहिए। हाँ। क्योंकि वो एक की होता है कि तुम्हें एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ आ जाता है उस चीज़ से, तो फिर तुम्हारा एग्जाम में बैठते हो तो इतना मतलब कि ऐसा नया फील नहीं होता है कि तुम्हें बिल्कुल नए क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, अच्छे से हो जाएगा। और तो जो सर करा रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, सर मतलब बहुत अच्छा कराते हैं। ठीक है, लखराज बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट आते हैं हरिओम, आप एक बार अपने बारे में बता दो और फिर अपना क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, कैसे तैयारी किया, कैसे कैसे आपका जर्नी रहा, सो दैट आगे फिर क्वेश्चन आंसर बच्चों का लेंगे हम। फिर दीप्तांशु है। हाँ हेलो सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। My name is Hariom Gupta and I have done my graduation from Banaras Hindu University with statistics major, and I joined Mathstats Classes in 2023 last August and फिर मैंने start किया प्रोफेशन सर के साथ, और फिर continuously मैंने regularly classes तो attend की, and साथ ही साथ जो भी असाइनमेंट्स होते थे मैं डेली का डेली उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करता था और डेली सॉल्व करता था। एंड मॉक टेस्ट मैंने सितंबर में स्टार्ट कर दिया था देना, नवंबर के लास्ट में स्टार्ट कर दिया था, सो डैट गो थ्रू हो जाए चीज़ उससे, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 4 पिलर माना जाए एग्जाम प्रिपरेशन का, जैसे कि सिलेबस पहले ढंग से पढ़ना, रिविजन और प्रैक्टिस, तो 4th पिलर मॉक टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी के लिए भी, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था नवंबर लास्ट में। और फिर सर के साथ रेगुलर क्लासेज में भी मेरा होता था, मेरा नेहा एंड और मनोप्रिया वगैरह, मनोप्रिया सॉरी ये हाँ तो, हाँ डिस्कशन होता था। नेहा लखराज हाँ लोग तो आगे क्लास में आप लोग थे। हाँ और सब बताइए आप। हाँ बाकी ठीक है, कैसा लग रहा है बॉम्बे में, अच्छा लग रहा है? जी सर अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और फिर प्रेशर भी हैंडल करने को मिल रहा है मौका। हम लोग की क्विजेस रेगुलर होती है, वीक में 3-4 तो हो ही रही है। अभी जैसे मंडे को ही है एक, फिर ट्यूजडे को 2 कीजिए हैं, और मज़ा आ रहा है सर। कौन कौन लोग क्या पढ़ा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी कौन पढ़ा रहे हैं? प्रोबेबिलिटी प्रोफेसर सुरेश कुमार पढ़ा रहे हैं। सुरेश सर पढ़ा रहे हैं, HOD हमारे समय में हमें स्टोकास्टिक पढ़ाए थे। अच्छा फिर और क्या? कॉम्बिनेटोरिक्स मुरली सर पढ़ा रहे हैं। अच्छा मुरली पढ़ा तो रहे हैं सर ठीक, लेकिन हम लोग को चीजें कम समझ में आता। उनका टीचिंग लेवल बहुत हाई है, क्योंकि हमें वो लीनियर पढ़ाए थे, लीनियर भी हमें कुछ ज्यादा समझ नहीं आया था, लेकिन पढ़ाते बहुत हाई लेवल के। हाँ यही सर, उनका लेवल अधिक हम लोग के लेवल से, उनका लेवल में काफी डिफरेंस आ जा रहा है। क्योंकि थ्योरेटिकली पढ़ाते हैं हम लोग, बचपन से एग्जांपल सॉल्व करने की आदत है, वो लोग एक भी एग्जांपल कराते ही नहीं क्लास में, थोड़ी लेके आगे चले गए। एक ही 2 प्रॉब्लम कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराते एग्जांपल नहीं। वो भी जो क्वेश्चन कराते हैं वो भी थ्योरेटिकल होता है, उसको नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वो थ्योरी में चल रहा है, वैसे तो उस तरह के रहते हैं वैसे ये। बाकी और क्या है? रियल लीनियर है ना, रियल एनालिसिस प्राची मैम सेम। आपके समय में भी सर? नहीं हमारे समय में थे इंद्र कुमार राणा सर, हमारे जूनियर को प्राची मैम पढ़ाए थे। हमारे समय में IK राणा सर थे, जो रिटायर हो चुके हैं शायद, अभी भी आई थिंक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर है वो IK राणा सर। वो बहुत पुराने प्रोफेसर, रिटायर तभी हो चुके थे लेकिन वो वहाँ पढ़ा रहे थे, तो इंद्र कुमार राणा सर थे वो पढ़ाए थे मेरे यहाँ से। और प्रोबेबिलिटी में राधे नुस्खा सर पढ़ाए थे, बाकी लीनियर अलजेब्रा मुरली सर, राधे सर, एक राधे नुस्खा श्रीवास्तव जो आर आप हम लोग को आर प्रोग्राम में पढ़ा रहे हैं। आर सबको पढ़ाते हैं, हमारे समय में आर नहीं था, हमारे समय में C++ था, जो कि हम बीटेक वालों के साथ करते थे। हमारे बैच के बाद वालों के साथ आर हो गया था, C हला के C++ हटा के आर कर दिया था। तो राधे सर हर साल आर पढ़ाते हैं, हमें वो प्रोबेबिलिटी पढ़ाए थे। तो हाँ लीनियर एक हरिहरन सर है। अच्छा हाँ ये मैथ्स डिपार्टमेंट, उनका प्योर मैथ्स हो गया, वो अच्छा पढ़ाते हैं लीनियर। चलो अच्छा है, IIT के अलग एक्सपीरियंसेस हैं, बाकी वो जाने के बाद ही पता चलता है, पहले से पता नहीं होता ना, ये है। हाँ। कि वो जो यहाँ आने पे वो जो चीजें महसूस होती है वो पहले से हम लोग महसूस नहीं कर सकते, बस सोच सकते हैं, लेकिन रियलिटी यहीं आने पे पता चलती है। वहाँ पे और सारी फैसिलिटीज़ हैं। जनरली लोग हम लोग जब 12th के बाद बीटेक वोटेक का सपना होता है हम नहीं कर पाते, वहाँ जाके पता चलता है कोई डिफरेंस नहीं है, जो फैसिलिटी जो स्विमिंग पूल आपके लिए सब सेम ही तो है, सबके लिए सब इक्वल है, सब इक्वल है। आईआईटी में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है कि हम एमएससी वाले हैं तो हमारा कम वैल्यू है बीटेक, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हम लोग साथ में ही क्लासेस करते हैं, जैसे बीटेक वाले भी हम लोग के साथ प्रोबेबिलिटी क्लासेस करते हैं। हाँ, कि कोई जो रजिस्टर करता है तो बीटेक वाले भी क्लास करने आते हैं। एग्जैक्टली, तो वैसा है, यही रहता है। चलो अच्छा लगा आप दोनों आए। लखराज और ये हरिओम दोनों आईआईटी बॉम्बे से हैं। हमारे साथ दीप्तांशु है, ये आईआईटी कानपुर में एमएससी कर रहे हैं। तो हेलो, वेलकम दीप्तांशु। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कैसा चल रहा है आपका? सर अच्छा चल रहा है। हाँ तो एक बार बताइए, अभी थोड़ा वहाँ प्रेशर ज़्यादा रहता होगा है ना कंपेयर टू? हाँ सर, क्विज़ेस जो है रेगुलर होती हैं। हाँ हाँ सुन पा रहा हूँ मैं आपको। इंटरनेट इशू है शायद, यस नेटवर्क का। वैसे ये दीप्तांशु भैया तो हम लोग को सुपर सीनियर है, बीएचयू के हैं। अच्छा बीएचयू के ही हैं। हाँ ये रुपेश को जानते होंगे, ये हम लोग के बैच का, अभी 2021 वो कानपुर में है। हाँ दीप्तांशु सुन पा रहा हूँ आपको मैं। हाँ सर नेटवर्क इशू है थोड़ा। जी जी, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बीएचयू से किया था 2022 में। इसके बाद मैं आईएसएस की प्रिपरेशन करने लगा और इस साल भी दिया था, तो अभी नहीं हुआ है फिलहाल। और मैंने मेनली सर का मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए ज्वाइन किया था। हाँ क्योंकि आप आईएसएस तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी, तो आप ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट फैमिलियर थे। आईएसएस प्रिपेयर प्रिपरेशन करने के टाइम ही मेरा स्टैट्स पेपर था। जी भैया बाकी अच्छा आप भी बीएचयू से हैं। हरिओम वही बता रहा था कि हरिओम भी बीएचयू से, आप उनके सीनियर हैं से शायद, मतलब एक महीने में कैसे करते हैं। हाँ तो कैसा रहा आपका जर्नी, क्या कैसे रहा? जो 2025 के लिए बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से आप क्या उसको कैसे बताना चाहेंगे? फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। सर वो ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करें क्योंकि अब 3.5 महीने रह गए हैं लगभग। हाँ और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें अपना, और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद कर लें, डिस्ट्रीब्यूशन सारे याद कर लें उनका, एमजीएफ सीडीएफ पीडीएफ, ये जो है बिल्कुल से मींस रटा होना चाहिए इस टाइम तो। बिल्कुल। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जो जनरल क्वेश्चन हम 1 by 1 पूछते हैं। तभी और लोग है कोई बाकी तीनों के अलावा कोई अगर हो तो एक बार बता सकते हो, क्योंकि वो मुझे पार्टिसिपेंट देखना पड़ेगा। नेहा है, नेहा है। यस सर। हाँ एक बार आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ था। हाँ कोई बात नहीं। तो ठीक है, अच्छा आईआईटी में डिनर टाइम ना 9:30 बजे तक होता है ना, तो इसलिए मैंने 9:30 रखा है क्योंकि आई जो डिनर का टाइम, इसलिए डिनर के बाद बच्चे 9:30 लास्ट डिनर टाइम होता है, ताकि बीच में रखने से फिर क्या होता है वो डिनर बच्चे फिर जल्दी जाते हैं जल्दी आते हैं, तो ये 9:30 बजे के बाद रहता है ना डिनर, 9:30 स्टॉप हो जाता है। तो कैसा चल रहा है आपका नेहा बॉम्बे में? अच्छा चल रहा है। अच्छा मज़ा आ रहा है। आप तो बॉम्बे से ही हो तो वैसे बस जगह बदल गया है, थे तो बॉम्बे में ही। यस यस। हाँ पहले आप मुंबई यूनिवर्सिटी में थे, अब आईआईटी बॉम्बे में हैं वही। सो बताइए कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका जैम प्रिपरेशन का, और एक बार जो 2025 के लिए जो बच्चे जैम दे रहे हैं उनके रिगार्डिंग। हालांकि एक इंटरव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं इन लोगों के साथ, नेहा के साथ, दीपांशु के साथ। हाँ, इंटरव्यू है तो वो भी आप देख सकते हो, लेकिन फिर अभी ज्वाइन किए तो कुछ बच्चे नए होंगे जो नहीं देखे होंगे, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार बता दीजिए। हाँ हेलो, हाँ मेरा नाम नेहा बावड़ेकर है। मैं अभी आईआईटी बॉम्बे से एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने मैथस्टेट क्लास जुलाई से सर के साथ ज्वाइन किया था, और जब से मैंने क्लास लगाया था तब से मैंने डेली क्लासेस, डेली जो टेस्ट वगैरह सर क्वेश्चंस भेजते वो कंसिस्टेंटली किया था, और मॉक टेस्ट कुछ अलग नहीं किया था। तो वही अगर आपको क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंटली पीवाईक्यूज जैम के, गेट के अच्छे से करने होंगे। दैट्स यही कहना चाहूँगा। अभी तो 3 मंथ्स है तो मेनली फोकस आपका पीवाईक्यूज पे ही होना चाहिए, और आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कोई भी हो। सो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद। तो अभी जैसे कुछ जनरल क्वेरीज आई थिंक 4 लोग हैं, और भी कोई हैं प्रत्या या ये लोग कोई आए हैं तो बता सकते हो। बाकी मैंने जनरल सबको भेजा था ग्रुप में ही जो पिछले साल के हैं। अच्छा तो नेहा निशा है और कोई है? सर एक मेरा दोस्त ऑपरेशन रिसर्च से। हाँ क्या नाम? आनंद है। आनंद आनंद अच्छा आनंद। हाँ आनंद भाई वेलकम। तो सर ये भी कैसे हो आनंद? बताओ भाई कैसा एक्सपीरियंस है आपका ऑपरेशन रिसर्च का? तो मैं बाकी लोगों के लिए बता दूं, जैसे आईआईटी बॉम्बे में 2 कोर्सेज आपके लिए हैं, जैम एमएस के थ्रू 2 कोर्सेज ले सकते हैं आप, एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, दोनों ऑप्शन हैं। जैसे आनंद जिस कोर्स में है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा स्टूडेंट नीरज है वहाँ पे, आपके क्लास में नीरज होगा है ना? यस सर वो नीरज भाई काफी बिजी उनका थोड़ा शेड्यूल आईएनसी वाला चल रहा है तो, और फिर हाँ पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं बीटेक करके क्या हम एमएससी कर सकते हो? नीरज बीटेक किया हुआ है तो नीरज बीटेक कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद उन्होंने फिर एमएससी ज्वाइन किया आईआईटी बॉम्बे ऑपरेशन रिसर्च में। तो इस तरह से उसका उस समय तो हमारा स्टूडेंट है। तो बताओ भाई कैसा चल रहा है आनंद आपका? सही है सर, बस कोर्स थोड़ा सा अलग है, सब्जेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी अलग से सिखाए जा रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स प्योर नहीं है, स्टैटिस्टिक्स प्योर नहीं, सारा कुछ अप्लाइड है। हाँ तो क्योंकि ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में वहाँ ऑप्टिमाइजेशन लगता है हर सब्जेक्ट में ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऑपरेशंस और ऑप्टिमाइजेशन हर सब्जेक्ट में आ जाता है। हाँ क्योंकि वहाँ प्रोबेबिलिटी में भी वो लोग स्टोकैस्टिक ही शुरू करते हैं जनरली, जो प्रोबेबिलिटी कोर्सेज ओआर में हैं बेसिक पढ़ा के फिर स्टोकैस्टिक में ही जाते हैं, तो वैसा मैंने देखा है। तो कैसा लग रहा है आपको अभी? क्या आपका बैकग्राउंड क्या था, मैथ था या स्टैट साहब? सर मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है। अच्छा क्या था? मतलब मैंने बैचलर्स पहले स्टैटिस्टिक्स में किया था, उसके बाद मास्टर्स किया स्टैटिस्टिक्स में। ओके लेकिन मेरे को डिफेंस ज्वाइन करना था तो मैं बैचलर्स मास्टर्स मैंने ऐसे ही कर ली थी। मैं यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहा था, एनडीए सीडीएस फाइटर पायलट वगैरह। हाँ अच्छा। तो मैंने वहाँ इंटरव्यूज वगैरह दिए थे बट देन हो नहीं रहा था, तो उसके बाद मैंने सेकंड मास्टर्स के लिए ऑप्ट किया यहाँ आईआईटी जैम के थ्रू। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पे हम जानते हैं, मैं भी वैसे बच्चों में से हूँ जो आपके जैसा ही हूँ, तो उसके कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में ये सब जर्नी है, उसको अपने हिसाब से करना है, तो उसमें कोई अच्छी बात है। लेकिन आप बॉम्बे में ओआर कर रहे हैं, ओआर का भी प्लेसमेंट अच्छा है ना? स्टैट्स और ओआर का ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेसमेंट ही है बॉम्बे में। यस तो प्लेसमेंट क्योंकि बस थोड़े पोर्टफोलियो अलग होते हैं, मतलब प्रोफाइल्स अलग होते हैं, कंपनी प्लेसमेंट रेशियोज लोगों वैसे ही हैं। एग्जैक्टली मतलब होते हैं, मतलब काफ़ी बच्चों का ऐसा डाउट होता है कि 1 महीने में होगा या नहीं, 2 महीने में होगा नहीं। तो मेरा एक्चुअली ऐसा था कि मैंने ज़्यादा करा भी नहीं था बट देन बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा था बैचलर्स में मास्टर्स में, तो फिर चीज़ें लग गई, फिर लास्ट के 2 महीने मैंने आपके यहाँ ज्वाइन भी करा था। अच्छा गेट और जैम वाला पीवाईक्यू वाला बैच। अच्छा पीवाईक्यू बैच में थे आप? ओके क्रैश कोर्स में। उसमें काफ़ी हेल्प हो गई, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग एक अप्रोच सही था काफ़ी, तो उससे बहुत हेल्प हो गई। हाँ सर का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बढ़िया है, तो आप लोग थोड़ा मतलब अटेंशन दीजिएगा सर कैसे सॉल्व कराते, बहुत अच्छा स्किल है सर का। जितने भी मार्केट में मतलब लोग हैं उनमें सबका वन ऑफ द बेस्ट है। हाँ थैंक यू। बट उसकी वजह क्योंकि मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पहले 9-10 पढ़ाया, 11-12 पढ़ाया, फिर ऐसे कर करके यहाँ तक पहुँचे, तो इसलिए वो बेसिक थोड़ा ठीक है। चलिए मैं तो बोलता हूँ बेसिक पे काम करो, बाकी अच्छा है। आपके आनंद आपके सीनियर है शिवम, शिवम भी हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है ना? यस शिवम तिवारी वो भी वहाँ पे हैं। सो इस तरह से है, बहुत सारे बच्चे एक्चुअली इतने पिछले साल पे 500-600 बच्चे थे। अब सबको याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चे टच में हैं वो याद रहते हैं, तो वैसा है। इस बार भी 800-900 बच्चे हैं, तो इस बार तो और ज़्यादा बच्चे हैं, जैम के अराउंड 800 के करीब बच्चे हैं, 800 प्लस ही हैं, तो वैसा है। तो बच्चे तो बहुत है, वही जो अच्छे मेहनत कर रहे हैं उनमें से ही होना है। आप लोग भी मेहनत कर रहे थे इसलिए आप लोग का हुआ, अभी भी जो कर रहे हैं उनका ही होगा, क्योंकि होना इन्हीं में से है। यही 500, 800, 1000 बच्चे हैं जो कर रहे हैं तैयारी, इनका ही होता है, बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा लगा मिलके आनंद और आप लोगों से। तो हमारे साथ अभी 4 लोग जुड़े ना, एक तो हरिओम आनंद एक साथ है, दोनों बॉम्बे से हैं, लखराज बॉम्बे से है, दीपांशु कानपुर से है, नेहा बॉम्बे से है, और कोई है? निशा है या और कोई है? निशा, हाँ निशा आई थिंक एनआईटी त्रिची में है। सो कैसे हो निशा आप? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ आवाज़ जी आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। अनम्यूट है आपका माइक? देखिए आई थिंक कुछ ऑडियो का इशू है शायद। आप म्यूट हैं या अनम्यूट? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, शायद म्यूट है। हाँ अब हुआ। हाँ यस यस। तो am I audible sir? हाँ यस यू आर ऑडिबल। कैसे हो आप? हम अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? हाँ हम भी ठीक हैं। कैसा लग रहा है? एनआईटी त्रिची में हो ना आप, एमएससी कंप्यूटर साइंस। सर अभी एनआईटी त्रिची में। हाँ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार अभी कैसा लग रहा है एनआईटी त्रिची में? सर एनआईटी त्रिची तो बहुत अच्छा है, लेकिन इधर स्टैट से आकर के पूरा बैकग्राउंड ही चेंज हो गया है। हाँ। पूरा कंप्यूटर साइंस हो गया ना, तो थोड़ा सा सब चीजों को कैच करने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। बाकी लोग तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस मुझे टाइम लग रहा है। लेकिन और भी सब कुछ ठीक है, इधर का फैसिलिटीज वगैरह, हॉस्टल्स वगैरह बाकी सब अच्छे हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो चूंकि हम लोग नया चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड स्टैटिस्टिक्स था है ना, तो अभी सारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेस आ गए होंगे। और कोडिंग वोडिंग ज्यादा चाहिए, एल्गोरिथम कोडिंग ये सब चाहिए उसमें, तो वैसा है। फिर भी एक बार बताओ कैसे कैसे जैम के शुरू किए, कैसे कैसे किया, एक बार जो बच्चे हैं अभी एनआईटी का भी पूछ रहे थे बच्चे कुछ, तो क्वेरीज हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एक बार अपना आप जर्नी बता दो, कैसे कैसे शुरू किए थे अभी तक का, क्या कैसे तैयारी किया, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स हैं उनको। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशा कुमारी, आई एम फ्रॉम पटना बिहार। मैंने बैचलर्स अपना मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से किया था। और सर के बारे में मुझे मतलब अपने सीनियर से पता चला था। और फिर मैंने जून में सर से क्लास ज्वाइन किया था। और उस टाइम पे मैं कर रही थी, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थी मतलब जैम को लेकर के। और मतलब बस क्लासेस ज्वाइन कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थी, क्योंकि कॉलेज के भी बहुत सारी चीज़ें करनी रहती थी, तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं थी। और सर को पता ही है मैं बहुत मतलब अच्छे से नहीं पढ़ती थी, बहुत डाउट्स वगैरह उल्टा पुल्टा डाउट्स पूछती थी, एकदम बेसिक सिल्ली सा क्वेश्चंस पूछती थी। और मतलब सर डांटते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था जब कभी बोलते थे कि नहीं कर रहे हो करो, नहीं होगा ये हो जाएगा, तो वो ज्यादा थी। और सर जब वो आईआईटी वाले टीशर्ट्स पहनते थे वो भी ज्यादा मोटिवेशन वाला था कि वो तो मुझे भी पहनना है, तो ऐसा। और मैंने मतलब सीरियसली ज्वाइन मतलब सीरियसली से अक्टूबर मतलब नवंबर दिसंबर से स्टार्ट किया था, मतलब सीरियसली तैयारी करना। उसमें मैंने कुछ नहीं, बस सारे जितने लेक्चर्स सर के थे वो सबने मैंने कंप्लीट कर लिया था। और 2 महीने पूरा सर का जो, और हाँ मतलब मॉक टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा था, मतलब मॉक टेस्ट मैंने दिया था, कुछ भी मेरे 0 मार्क्स आ रहे हैं, 1 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रही थी। सर से बात भी करती थी, सर बहुत वो करते थे, अप्रोच करते थे कि नहीं हो जाएगा करो, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। और सर का जो वो था ना कि हमेशा बोलते रहते थे तुम लोग मॉक टेस्ट दो, कुछ भी हो मॉक टेस्ट देना जरूरी है। और जो वीकली टेस्ट होती थी और फिर ऐसे ऐप पे टेस्ट होने लगा, तो टेस्ट देना हर रोज जरूरी था। तो मैं 2 महीने एकदम कंटिन्यूअसली मैंने मॉक टेस्ट दिया, भले मुझे उसमें 0 मार्क्स आ रहे, कभी अच्छे मार्क्स आ रहे, गंदे मार्क्स आ रहे, मैंने हर रोज दे रही थी कंटिन्यू। और वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। और सर तो है ही बहुत अच्छे, मतलब बहुत सपोर्टिव भी है, हेल्प भी करते हैं, मोटिवेट तो काफी ज्यादा करते हैं। जब भी मतलब बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलता था, घर में कुछ ऐसा सिचुएशन चल गई, तो सर को मतलब बहुत हेल्प करते थे। और मुझे नहीं लगता था कि मैं एनआईटी भी आऊंगी, क्योंकि मेरा लगता था कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आ गई एनआईटी। लेकिन अच्छा है आप, अच्छा आप जस्ट कॉलेज कंप्लीट किए थे है ना? हाँ हाँ, तो ठीक है, वो एक्सपीरियंस ठीक है कि आप एक्सपीरियंस अभी लोगे, लाइफ में बहुत कुछ होना है, तो एक अच्छा एक्सपोजर है, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करो, समझ आएगा। अब डिफिकल्टी पार्ट ऑफ द जर्नी है, तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं, उसको फेस करो, यही कर सकते हो आप। ये सब्जेक्ट क्या क्या है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ क्या क्या सब्जेक्ट है अभी? सर फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है, डीबीएमएस पढ़ना है, ओएस पढ़ना है, डीएसए पढ़ना है, मतलब पूरे सारे जो हमारे सीनियर्स को सेकेंड ईयर में पढ़ना था ना, वो सारे सब्जेक्ट मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। मतलब जो कि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है और हार्ड भी हुआ है, और इस बार इंटर्नशिप भी करनी है, ऑनलाइन कोर्सेज भी करनी है, और प्लस प्रोजेक्ट्स भी है। मतलब सेकेंड ईयर से मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर से हम लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ही करने हैं, मतलब प्रोजेक्ट्स वर्क करने हैं। उसके बाद ये है नहीं, मेन जो भी सिलेबस है हम लोगों का जो कोर पेपर है अभी ही पढ़ना है। मतलब एमएफसीएस भी है, तो एमएफसीएस में तो मैथ्स है और तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी और मतलब स्टैटिस्टिक्स वाली चीजें हैं, बहुत कम है। और वो भी टीचर्स बस बढ़ा दे के आप लोग को तो आता है ना, हो गया, कुछ गलत भी पढ़ा के चले जाते हैं। तो हम लोग सीनियर से बात की कि ऐसा ऐसा सर पढ़ा के चले गए, तो बोले कि कुछ नहीं, तुम लोग को जो बताया गया है वैसे पढ़ो। जैसे हम लोगों को वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है ना सर, वो तो उसमें सर कुछ भी ऐसे बता करके अनोबा वगैरह में चले गए थे। तो फिर बोले कि नहीं जैसे है वैसे करो, कुछ ये करना। यहाँ पे फिर सिटी का भी है प्रेशर, जैसे कि फ्राइडे को ये हुआ मतलब खत्म हुआ सिलेबस, मंडे से आपका टेस्ट है, मतलब टाइम ही नहीं देते पढ़ने के लिए कि मतलब रेडी कर लो एकदम, सब जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ, क्विजेज मिडसेम ये सब क्विजेज चलते रहते हैं। और बाकी ये सब्जेक्ट नए नए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये सब तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा शायद बीएससी में, है ना? यहाँ पे नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब आ रहा है, टोटली चेंज है। हाँ, तो ये पूरा कंप्यूटर साइंस के डेटा साइंस रिलेटेड टॉपिक्स है ना, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सारे चेंज हो गए इधर। तो थोड़ा सा यही सब चीजों को थोड़ा कैचअप करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और इतने जल्दी जल्दी एग्जाम होते हैं कि चीजों को देखते देखते चला जा रहा है, और गंदे मार्क्स भी कभी कभी आ जा रहे, किसी में अच्छे मार्क्स भी आ रहे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे ना क्या होता था, जब एंड सेम या मिड सेम में जो क्वेश्चन आते थे 2 महीने बाद मुझे समझ आता था पूछा क्या था, जब गलत हो जाते थे। मतलब ऐसा मेरा हाल होता था, जब मैं लिख के आया हूँ गलत हो गया है, लेकिन 1 महीने बाद समझ आ रहा अच्छा ये लिखना था मुझे वहाँ पे। तो ऐसे होते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट करने का टाइम ही नहीं देते हैं, मतलब वो पढ़ा दिए एग्जाम हो गया, अब वो जब तक समझ आया वो चीजें जब समझ आता तो लगता है एग्जाम निकल चुका था। तो वैसा होता था मेरे साथ, होता था फास्ट चल रहा है इधर सारी चीजें। तो वैसे रहते हैं कि बाद में समझ आता है, लेकिन वो बाद में चीजें समझ आती हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाली वो सेकंड सेमेस्टर में समझ आती है, सेकंड वाली थर्ड में समझ आती है। तो ऐसे कई बार हो जाता है जब स्लो लर्निंग प्रोसेस जिनका होता है, हम भी स्लो वाले ही थे। प्लस इधर प्लेसमेंट का भी अभी से ही करना है, अभी से ही ओटी एग्जाम वगैरह हो रहे हैं, सब अभी से ही लगो, मतलब एकेडमी पे भी अभी से ध्यान दो और प्लेसमेंट पे भी अभी से। तो सब इतने ज्यादा हो गए कि प्रेशर रहता है, प्रेशर ज्यादा, एकेडमिक है, इंटर्नशिप है, प्लेसमेंट है, रिज्यूमे, ये प्रोजेक्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब का प्रेशर रहता है ना। लेकिन कोई ये प्रेशर एक बार झेल लोगे तो लाइफ में आगे फिर मजे ही मजे हैं। मतलब एटलीस्ट प्रेशर नहीं फील होगा, वो स्मूथली फेस कर लोगे चीजों को, है ना। जैसे ये सब चीजें हैं, तो एक बार फेस कर लिए तो लाइफ में आगे चीजें मतलब मुश्किल नहीं लगती, फिर आप उसको ही फेस कर लोगे। ये है। और कोई लोग हैं तो हमारे साथ ये 5 लोगों ने भी डिस्कस किया है। आई थिंक क्या नाम है, आराध्या जी, आराध्या आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने इनवाइट किया था ग्रुप के थ्रू, जो पिछले साल के ग्रुप हैं, तो अब मैं श्योर नहीं कितने लोग हैं यहाँ पे। तो एक बार बता दो खुद ही, आप लोग ज्वाइन किए जैसे ये लोग तो बता दिए हैं। और कोई है जो पिछले साल वाले बच्चे 2024 के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं? अभी संजय IIT तिरुपति में है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि शायद वो ट्रैवल कर रहा था, तो कभी नेक्स्ट सेशन रखेंगे। अभी NIT त्रिची से है ही, बॉम्बे से है ही, कानपुर से है ही लोग, IIT तिरुपति से संजय और भी लोग हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाए शायद। सो ठीक है जी। और कोई है 2024 वाले क्वालिफाइड बच्चे, बोल सकते हो आप। ठीक है, एकदम हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मेनली जो क्वेरीज, हम ये सेशन इसलिए रखा है कि अभी जैसे बच्चे प्रेशर में तैयारी कर रहे हैं तो उनके कुछ क्वेरीज होंगे, तो मैं तो क्लास में आंसर करता ही हूँ, और चूंकि ओपन सेशन है बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, तो कोई भी कुछ पूछ सकता है उन बच्चों से जो क्वालिफाइड हैं, तो वो हेल्प करेगा उनको कि लास्ट के 3 महीने बचे हैं, 100 दिन है, अराउंड 100 डेज ही एग्जैक्ट। 2 फरवरी को एग्जाम है, तो उसमें आप लोगों का जो सजेशन होगा, एडवाइस होगा, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो मिस्टेक्स हैं, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हेल्प करेगा नए बच्चों को। तो एक तो कुछ जनरल क्वेरीज है, मैं पूछ लेता हूँ 1 बाय 1। तो यहाँ पे जो है प्रत्याय ज्वाइन किया गया, प्रत्याय बोल रहा है ज्वाइनिंग 2 मिनट। ओके, प्रत्याय IIT कानपुर में है, ठीक है। तो ऐसे जब तक मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये जैसे कुछ क्वेश्चन, एक तो पहला क्वेश्चन यही था कि IIT का एक्सपीरियंस कैसा है। तो जैसे मैंने जनरली पूछ ही लिया लोगों से कि अपने IIT या जिस भी कॉलेज में हो, IIT या NIT में, तो कैसा कोर्सेस हैं। बाकी प्लेसमेंट हर जगह अच्छा है, NIT त्रिची का भी प्लेसमेंट अच्छा है, तो जो लोग वर्क कर रहे हैं। सो बाकी एक बार बता सकते हो कैसा एक्सपीरियंस है, क्या नया आपको लग रहा है। एक बार चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो IIT NIT में जो लोग हैं, तो कैसा आपको एक्सपीरियंस हो रहा है IIT में, मतलब क्या नया है या क्या अलग चीज़ें हो रही हैं जो आप बताना चाहते हो। 1 बाय 1 बता सकते हो, कोई भी, नेहा है या लखराज, हरिओम, आनंद है या दीप्तांशु है, क्या नाम, नेहा, निशा, निशा है। व्हाट इज क्वेश्चन सर? हाँ, क्वेश्चन ये कि IIT का एक्सपीरियंस आपका कैसा है। ये जनरल क्वेरी बच्चों का होता है कि IIT में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, अभी तक कैसा क्या रहा, क्या एक्सपेक्टेशन थी, अभी क्या हो रहा है। मतलब होता है ना, एक एक्सपेक्टेशन होती है IIT से और अभी कैसा चल रहा है, तो उसके कंपेरिजन में IIT का एक्सपीरियंस। हाँ जी सर, वो मतलब एक्सपेक्टेशन तो यही होती है कि प्रोफेसर्स बहुत हाई स्टैंडर्ड के होते हैं और पढ़ाएंगे भी उसी स्टैंडर्ड से, तो वो जितना सोच के आए होते हैं उससे ऊपर का भी पढ़ा देते हैं वो लेक्चर से। तो थोड़ा प्रिपेयर होके आना चाहिए बच्चों को कि जितना सोच रहे हैं उससे ऊपर भी जा सकता है, तो वो थोड़ा मामला सेट हो जाए। और ये जो यूट्यूब के रीलों में दिखाते हैं ना इतनी सारी चीज़ें, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रील से भी ज्यादा बहुत सुंदर है और कुछ कुछ चीजें ऐसी जो रील में दिखा रखी लेकिन रियलिटी में नहीं है, रियलिटी में वैसा कुछ है नहीं। तो वो फॉल्स होप्स लेके थोड़ा कमी है कैंपस कैंपस के बारे में। कैंपस इज वेरी ब्यूटीफुल ऑल इन ऑल, बट देन वो यूट्यूब पे थोड़ा मालूम है बहुत बच्चे वो हाइप कर देते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है। कैंपस में वो तेंदुआ अजगर ये सब निकल रहे होते हैं ना, मगरमच्छ मगर तीनों तो मैम आते रहते हैं। मेरे सामने भी उस समय वो जो बोट क्लब है वहाँ पे उधर जो है मगरमच्छ निकल आया था, तेंदुआ रोड पे दिख जाते हैं रात को, अभी अजगर आ गया था कैंपस में पोसी के लेक के थ्रू। तो ये सब भी है, एडवेंचरस एक्सपीरियंस है वहाँ पे। सही है, लेकिन ऐसा कुछ रिग्रेट करने लायक नहीं है, हार्मफुल नहीं है वो, हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो चीजें कंट्रोल में रहती है, वहाँ पे है लोग तो वैसा कोई हार्म नहीं होता है उससे। ओके बाकी और कोई बताना चाहेंगे एक्सपीरियंस है ना? पहले एक एक्सपेक्टेशन होती है और रियलिटी है, तो वही एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या लग रहा है? यहाँ पर एकेडमिक्स रिलेटिवली टफ है और क्विजेस रेगुलर होती हैं, सरप्राइज क्विजेस भी होती हैं, तो आपको डेली का डेली हर चीज़ प्रिपेयर करना रहता है। और सेकंड, अगर एकेडमिक्स के अलावा बात करेंगे तो कैंपस हमारा काफ़ी सुंदर है और इस समय तो फेस्ट चल रहा है अंतराग्नि, अच्छा, तो उसमें काफ़ी आप लोग एंजॉय भी करेंगे। कल्चरल फेस्ट है, वह अलग अलग टेक्निकल फेस्ट अलग होते हैं, कल्चरल फेस्ट अलग होते हैं, फिर वो एक है ना इस अलग से कल्चरल फेस्ट है ना। तो उस तरह से ओके। बाकी कानपुर में कभी गया नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ, देखता हूँ, मतलब अभी तक तो विजिट करने का मौका नहीं मिला है। आइए सर कभी। हाँ, और कानपुर चूंकि मैं जाना भी चाहता हूँ क्योंकि वहाँ नीरज मिश्रा सर हैं जो मेरे सुपरवाइजर के सुपरवाइजर हैं वो, तो मतलब जो तो मैं भी उनके अंडर पोस्ट डॉक ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ रांची में जॉब मिल गया तो मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आ सकता हूँ, देखते हैं अभी। तो बाकी लोग बताओ भाई। और हाँ, जैसे ये कानपुर का एकेडमिक थोड़ा स्ट्रांग है दैन बॉम्बे। बॉम्बे में हालांकि बॉम्बे वालों को लग रहा होगा बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि कानपुर में उससे भी ज़्यादा मुश्किल एकेडमिक्स हैं। यस सर, कानपुर में आपको लास्ट क्विज की बात बताऊँ, इधर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्विज हुआ था तो उसमें लड़कों के -4 तक आए हैं। -1 भी आए हैं, बताओ। -4 भी आए हैं, अब सोचो मिले नहीं, कट गए। हाँ, सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे वैसे सर। नहीं, सब्जेक्टिव में एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन थे, एमएसक्यू थे। हाँ हाँ, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। एमएसक्यू में भी नेगेटिव मार्किंग है, जैम में एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आईआईटीज में रखते हैं लोग, तो वैसे है। नहीं, यहाँ तो 0 मार्क्स आते हैं, तो 0, 3, 4, 20 मार्क्स में हाईएस्ट तो 17, 18 जाती है, कुछ बच्चों के 0 भी आते हैं। हाँ, कुछ के 0 भी आते हैं, मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर है, रहता है हर जगह। सर मतलब इधर था एक्सपेक्टेशन कि हाँ अच्छे टीचर्स मतलब प्रोफेसर्स वगैरह पढ़ाएंगे, 1 ही 2 क्वेश्चन। हमारे यहाँ के तो कोर पेपर भी स्कॉलर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा स्कॉलर्स पढ़ाते हैं कि मतलब बस आई 2-4 पीपीटी लेकर के एक ही बार में 1 ही क्लास में पढ़ा के निकल गए। अब खुद से करते रहो, मतलब यूट्यूब वीडियो से तुमको दिन भर बैठ के करते रहना है ऐसा। अच्छा, कुछ कुछ पेपर, अब अदरवाइज कुछ जो प्रोफेसर्स आते हैं वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स हम लोगों में पढ़ा रही हैं, 2-3 स्कॉलर्स कोर पेपर को पढ़ाती है, इलेक्टिव पेपर को भी। तो मतलब वो जो आते हैं वो ज्यादातर पीपीटी देते हैं और बस वही करा के चले जाते हैं, तो पढ़ाते थियोरेटिकल है और एक सिटी में आते हैं पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पूरा चेंज। तो स्कॉलर्स कौन लोग, जैसे जो पीएचडी कर रहे हैं वो लोग? यस सर, पीएचडी स्कॉलर्स। अच्छा, वो लोग भी मतलब ट्यूटोरियल से लेते हैं। हाँ, बॉम्बे में भी ये सिस्टम है ट्यूटोरियल का ना, तो वहाँ भी लोग ट्यूटोरियल लेते हैं जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर के अंडर जो। हाँ जी सर, है ना, ये रहता है। ओके तो चलो कुछ आगे क्वेश्चंस पे आते हैं। सो अभी के लिए जो नेक्स्ट है, फिर हम चैट पे आएंगे, चैट में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। एक तो अब सिर्फ उस पर आ जाते हैं कि जैसे बोलता है कि मिस्टेक्स जो आईआईटी एस्पिरेंट्स को नहीं करने चाहिए, जो 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, ये बच्चा अक्सर पूछते हैं, तो आप लोगों को जो लगता है एक बार बता सकते हैं। आपको एक रिसोर्स को कई बार लगाना चाहिए, जैसे एक रिसोर्स को 5 बार लगाना सही है बजाय कि इसके कि हम 5 रिसोर्सेस को एक ही बार लगाएं। रिवीजन है ना, उससे रिवीजन टाइप का हो जाएगा। हाँ, रिवीजन काफी बार कीजिए आप लोग, और पीवाईक्यूज काफी सॉल्व कीजिए। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो उसके सारे क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए, मतलब जो नहीं आ रहे हैं वो बार बार सॉल्व करो, ऐसे नहीं कि कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो छोड़ देने का। यस, और बाकी लोग बता सकते हैं। प्रैक्टिस एक मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी है, जितने बार रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और फार्मूलाज वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन वगैरह करने। मुझे वही प्रॉब्लम हुआ था, लास्ट टाइम तक मुझे फार्मूला ही याद नहीं रहता था और क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते, तो फार्मूला के लिए अलग से अगर नोट्स है तो बहुत अच्छा है। सर तो ऐसे कराते ही रहते, हमेशा फार्मूलाज रिवाइज वगैरह करवाते रहते हैं, तो जितना ज्यादा सर के सुनो उतना बढ़िया। और सर जैसे कि आप टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देते हो, हाँ, तो बच्चे एक काम कर सकते हैं कि जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा डिफरेंशिएशन, तो उसको अच्छे से कर लो पहले, और फिर उसके पीवाईक्यूज लगाओ, फिर असाइनमेंट लगाओ, उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि तुम्हारा रिकॉल कौन सा टॉपिक में है, क्या दिक्कत है उसमें। फिर ग्रुप पे डिस्कशन करो, सर से पूछो, और तुम्हारा एक ऐसा ग्रुप बना लो जिसमें ये रेगुलर चलता रहे ग्रुप डिस्कशन, बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 महीने अच्छा कुछ कर लोगे। ओके, तो ये तो हो गया मिस्टेक्स का। जैसे बोलता है डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, डिस्ट्रैक्शन हो गया, या मान लो जैसे कई बार डिमोटिवेशन भी होता है, तो इन सब क्या करना चाहिए इनके लिए। ये जनरल क्वेश्चन है, डिस्ट्रैक्शन या डिमोटिवेशन, इससे कैसे बच सकते हैं बच्चे प्रिपरेशन के दौरान। अवॉइड यूट्यूब रील्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। हाँ वही, मतलब सोशल साइट को थोड़ा अवॉइड करने चाहिए ना। Yes, sir. और लास्ट टाइम है तो तुम सोशल मीडिया से 2 महीने 2 या 3 महीने दूर ही रहो। नहीं, और बिल पावर को भी अगर वो लोग बढ़ाए तो वो डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं कि नहीं, बॉम्बे जाना है मुझे, कानपुर जाना है, तो अगर वो रहेगा ना तो हमेशा दिमाग में चलते रहेगा, बॉम्बे जाना है उसके लिए मुझे पढ़ना है, तो वो बिल पावर होनी चाहिए कि अगर वहाँ जाना है तो मुझे पढ़ना है, तो ये देखूंगा तो नहीं होगा, तो वो होना जरूरी है दिमाग में, कहीं ना कहीं एकदम हमेशा ट्रिगर होना चाहिए कि मुझे तो आईआईटी बॉम्बे जाना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं वो करना है, तो डिस्ट्रैक्शन खुद पे खुद थोड़ा कम हो जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं कर सकते अभी। हाँ, मतलब रील में आईआईटी एनआईटी देखने से अच्छा रियल में देखने का सपना देखो, अच्छा है ना, रील में देख के भाई होगा। रियल में भी ठीक ही है सर, ठीक है, और जो रील में बिल्डिंग दिखाई जाती है रियल में थोड़ी वो उससे टूट गई है। बॉम्बे में जिम खाना की जो बिल्डिंग है ना, बॉम्बे जो ग्राउंड है बॉम्बे का, उसके बगल में जिम खाना वाली बिल्डिंग है। मैं भी कभी थोड़े दिन जिम जाता था, सप्ताह में 1 बार या महीने में 1 बार, ऐसे ही देखने के लिए। तो ऐसे कभी कभी तो वहाँ अच्छा है ना, ग्राउंड में लोग शाम को बड़ा अच्छा माहौल रहता है, सब लोग रनिंग कर रहे हैं, प्रोफेसर भी साथ में बच्चों के साथ अपना वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई डिफरेंस दिखता नहीं वहाँ पे शाम में। स्पेशली हमारे साथ शिवली मैम है, ये अक्सर मिल जाती थी वहाँ पे, शिवली मुखोपाध्याय मैम है, या और भी प्रोफेसर लोग मिल जाते थे वहाँ पे वॉक करते हुए, उसी ग्राउंड में जहाँ बच्चे वॉक कर रहे हैं, तो ऐसा मिल जाते हैं। Yes, तो हम भी करते हैं सर, कभी कभी जिम चालू कर देते हैं, फिर जैसे ही मतलब पेपर्स का रिजल्ट आता है फिर छोड़ जाता है। हाँ सर, ये बस कुछ दिन गया सर, झूठ बोल रहा है, कहाँ डेली जाता है। होते हैं मतलब कुछ वीकेंड्स में जब एग्जाम नहीं होते हैं तब, है ना। चलो, यहाँ का सीन है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। हाँ, सैटरडे संडे ऑफ रहता है आईआईटीज में, बिल्कुल। हाँ, लेकिन इस बात से खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी बहुत रहता है इधर। मतलब लगता है कि शुरू में हम भी सोच रहे थे कि यार 2 दिन छुट्टी मिलेगी, बहुत ये करेंगे, लेकिन नहीं, उसके साथ एकेडमिक का प्रेशर प्लस प्लेसमेंट का प्रेशर सब रहता है इधर तो। और बाकी तो बहुत कुछ घूमने को है इधर, लोग जाते हैं इधर उधर घूमते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता इधर। जा पाए। ओके बाकी जो लोग क्वेरी है हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। बच्चे जिनको क्वेरी जो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं पूछो, एक बार जो भी सुटेबल जिनको लगेगा वो आंसर करेंगे। तो मेनली ये आपके क्वेरी के लिए है, फिर हम चैट का भी आंसर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि जो अनम्यूट करके पूछ पाएंगे तो बेटर रहेगा। तो पहले हम उनको प्रेफरेंस देंगे सो दैट उसमें चैट पढ़ने में मुझे एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, शॉर्टलिस्ट नहीं करना होगा, बहुत सारे चैट आ जाते हैं ना, फिर वो टाइम, और ये टाइम 1 घंटे ही चलेगा। तो अभी हमने कब स्टार्ट किया है, 9:30 से था ना, तो ये 11 बजे तक चलो मैक्सिमम ले सकता हूँ मैं, वरना 10:30 11 तक मैक्सिमम चलेगा, 11 बजे हमें स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। सो इस 1-2 घंटे हो सकता है। तो जिनको पूछना अनम्यूट करके पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे भी भैया बोले कि एकेडमिक में आईआईटी कानपुर ज़्यादा टफ है आईआईटी बॉम्बे के कंपेयर में, तो सर तो इसका मेन कारण क्या है? 1 by 1 पहला क्वेश्चन आपका है कि आईआईटी बॉम्बे और कानपुर में कौन सा बेहतर है, ये? नो सर आईआईटी बॉम्बे एकेडमिक में क्यों ज़्यादा टफ है कंपेयरिंग टू आईआईटी बॉम्बे? अच्छा, कानपुर एकेडमिक में क्यों बेटर है देन आईआईटी बॉम्बे, ये पूछ रहे हैं? Yes, sir. हाँ, बाकी बताओ आप लोगों को जो एक्सपीरियंस है, तो आपको लगता है कि कानपुर की एकेडमिक्स, क्योंकि उनका मतलब रिसर्च ओरिएंटेड, कानपुर एक इंस्टीट्यूट है ना, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट टाइप से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है स्टैटिस्टिक्स में, तो जहाँ तक है ना, क्योंकि रिसर्च आउटपुट जो कानपुर का है ना बहुत ज्यादा है दैन बॉम्बे। बॉम्बे में प्रोफेसर बहुत कम रिसर्च स्कॉलर लेते हैं, वहाँ रिसर्च स्कॉलर 1-2 होता है मैक्सिमम। कानपुर में शायद रिसर्च आउटपुट ज्यादा है, इनका रिसर्च ओरिएंटेड एकेडमिक है शायद, इसीलिए। बाकी आप लोग बताइए, सब लोग म्यूट कर लीजिए क्वेश्चन पूछने के बाद। हाँ, आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि कानपुर का एकेडमिक ज्यादा वो है? दीप्तांशु कानपुर से ही है, बाकी लोग सर जैसा कि आपने बताया, मतलब रिसर्च यहाँ पे ज्यादा है, और इसी वजह से मींस जो मेरे बैचमेट्स हैं या सीनियर्स हैं उसमें काफी लोग पीएचडी भी करना चाहते हैं। हाँ, तो अगर आपका एम पीएचडी करना है तो आईआईटी कानपुर आई थिंक बेटर है, नहीं तो आईआईटी बॉम्बे। हाँ, जनरली एक परसेप्शन बना हुआ है कि कानपुर में बच्चे ज़्यादातर पीएचडी प्रेफर करते हैं, और बॉम्बे का कोर्स का करिकुलम प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहा है। बहुत कम बच्चे, ना के बराबर बच्चे पीएचडी में जाते हैं, बहुत कम, हर साल 1-2 बच्चे मुश्किल से जाते हैं। कानपुर में हर साल 5-10 बच्चे आपको पीएचडी में जाते हुए दिखेंगे, तो ये पास्ट रिकॉर्ड रहा है पीएचडी को लेके। यहाँ से लड़के एम करते हैं कि बाहर से, फॉरेन से जो है किसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी हो जाए। हाँ, जैसे देवरगया हमारा 2022 बैच का स्टूडेंट था, 21 जैम का, 21 या 22 का, 22 का आई थिंक। तो वो अभी फॉरेन में, यूएस में आयो, कुछ यूनिवर्सिटी जहाँ पे उसका हुआ है, कानपुर से एमएससी किया है, देवरगया जाना, वो आपके सीनियर के सीनियर होंगे। तो इस तरह से हैं, और बच्चे बहुत सारे हैं जो कानपुर से यूएस जाते हैं पीएचडी के लिए, तो वैसे भी हैं। तो वैसे है, बॉम्बे से कम बच्चे जाते हैं। जैसे मेरे क्लासमेट्स लोग हैं, 2 साल जॉब किए, फिर यूएस गए पीएचडी के लिए। जैसे परिचिता नंदी थी मेरी क्लास में, वो अभी यूएस गई पीएचडी के लिए। नेत्रा थी इधर, और मेरा जूनियर था स्वामीनाथ, और भी लोग हैं। स्वामीनाथ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पीएचडी कर रहा है, और नेत्रा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से कर रही है ना। तो इस तरह से है। तो ये लोग मेरे क्लासमेट या जूनियर थे बॉम्बे में, 1-2 साल जॉब किए, फिर वो यूएस चले गए पीएचडी के लिए। तो ऐसे लोग हैं, तो इमीडिएट कम प्रेफरेंस रहता है, बाद में ये लोग जाते हैं, तो वैसा भी रहता है। तो एक तो ये रीजन है। बाकी आप लोगों को जो लगता है ना, तो बॉम्बे का एक्चुअली कोर्स जो बनाया गया था ना, आप अगर पास देखोगे तो उसका बॉम्बे का कोर्स बनाने का स्ट्रक्चर ही पर्पस ही जॉब था एक्चुअली। आप अगर रिकॉर्ड देखोगे पर्पस में कि ये एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स का पर्पस ही जॉब था। कानपुर में ऐसा कोई ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन कानपुर में प्लेसमेंट अच्छा है। बॉम्बे में कानपुर प्लेसमेंट दोनों जगह ठीक है, लेकिन कानपुर से बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं पीएचडी, जिनको रिसर्च में जाना होता है ना। जैसे इस बार जिस बच्चे का फर्स्ट रैंक था, उसने फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी कानपुर भरे थे, फिर सेकेंडरी रैंक जो मनुप्रिया का था वो बॉम्बे भरी थी, लेकिन दोनों का आईएसआई में हो गया, तो वो फिर नहीं गए। अदरवाइज जैसे जिनका पीएचडी, जनरली जो बंगाल के बच्चे होते हैं जिनको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कई बार मतलब जॉब में भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं तो वो कानपुर जाते हैं अच्छे रैंक होने के बावजूद। और ये आपका पर्सनल चॉइस है, इट्स नॉट लाइक कि बॉम्बे बेहतर है कानपुर खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अच्छा है। आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं, पर्सनल इंटरेस्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए जिनका अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो सर गुड इवनिंग। सर जी गुड इवनिंग। Yeah, first I congratulate you, sir. You're running successfully this coaching center. Myself, I'm Dr. Nagesh, sir. I'm from Telangana. My university is Kakatiya University. It is very near to NIT Warangal. I am following your channel and I'm watching your posters and everything, sir. I especially congratulate you, sir. You are producing such type of students in statistics. In my Telangana, statistics is very dummy, sir. So no teachers are there, no one is qualified in IIT JAM in statistics and mathematics also. I am very happy to join this program. I am watching your students are joining in MSc in various institutions for IITs, IIT Kanpur, and IIT Madras, IIT Bombay. I am so happy, sir, for seeing this institution. I am congratulate you, sir, once again. You and your students are serving in many institutions, sir. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. That's why I am watching this. Yeah, thank you, sir. It's nice that you are here, and thank you so much. I'm mathematics faculty, sir. Actually, I'm mathematics, not studies. Okay, you are mathematics faculty in which university? It is my Kakatiya University, sir. This is in Telangana. Is a famous name, sir. Kakatiya Rajas are kingdoms. Okay, okay, yes. Ruled this area, so that we call as a Kakatiya. Yeah. It's near to Maharashtra, sir. Telangana is near to Maharashtra. Yes, sir. Yes, sir. I was in IIT Bombay, so Telangana I know, Hyderabad and all that. Yeah. Yeah, I know, sir. IIT Bombay Professor Gorpet, sir, you know. Yes, yes. More mathematics, Gorpet. Mm-hmm. Yeah, I attended some classes at ATM schools at nine et al. 2013. Okay, ATM schools. Thank you, sir. Thank ATM, National Center of Mathematics organizes this. Yeah. Yes. Yes, yeah, yeah. I'm in touch with you, sir. Thank you. Yeah, thank you for appreciating. Yeah, next person who want to ask something, unmute करके पूछो. Sir, is MSc in research? No. हाँ पूछिए. Sir, MSc Statistics better है या OR? MSc Statistics versus OR. तुम लोग बताओ भाई, बॉम्बे वाले लोग या बाकी बता सकते हैं. IIT बॉम्बे में MSc Statistics वर्सेस MSc Operation Research क्या बेटर है तुम्हारे हिसाब से, क्या अच्छाई बुराई है? सर I prefer ASI भाई Statistics. Yes sir, I also prefer. अच्छा और वाले भी कह रहे हैं कि Statistics बेटर है. अच्छा नहीं सर, मैंने बोला नहीं, लेखराज बोल रहे हैं सर. लेखराज. तो I'll give distinctions for this. Okay, okay. एएसआई का ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आते हैं बच्चे और उसमें काफी स्टैटिस्टिक्स इंक्लाइंड सब्जेक्ट ही होते हैं. यहाँ पे एमएससी में भी वही डिग्री मिल रही है ऑफ कोर्स, और एस उनका ट्रेडिशन चला आ रहा है, जैसा प्लेसमेंट्स का सिनेरियो काफी अच्छा है और वहाँ भी पढ़ के आ रहे हैं स्टैट्स, यहाँ भी स्टैट्स ही पढ़ना होता है. ऑपरेशन रिसर्च का थोड़ा सिनेरियो अलग है. ये इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन इंजीनियर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इन लोगों ने डिमांड करी थी आईआईटी बॉम्बे से कि उनको सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तो वो मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स स्टार्ट हुआ था. बट बाद में यहाँ पे प्रोफेसर जो ज्वाइन हुए उनका एनालिटिक्स में भी काफी रिसर्च रहा है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई. हमारे एक प्रोफेसर मंजेश है, ही हैंडल्स समथिंग TCA2I, वो अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत काम चलता है उनका. सो इंडियन नेवी के साथ और काफी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ उनका MOU साइन होता रहता है. सो IOR और कंप्यूटर साइंस IIT बॉम्बे के दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं. तो ये ASI में ऑफर नहीं होता है. सो अगर ऐसा चाहिए कि कोर आपको AI ML वगैरह पढ़ना है, तो फिर या तो कंप्यूटर साइंस है या तो फिर IOR है. ये कोर्सेज वहाँ ASI में नहीं पढ़ाए जा रहे. ASI में इट्स प्योरली स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, और OR में काफी अप्लाइड चीजें हैं. अप्लाइड मतलब प्योर ही अप्लाइड है एकदम, सारी चीजें इंटरडिसिप्लिनरी. यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैट्स, एक इंजीनियरिंग स्टैट्स का बस एक पेपर है, बाकी सारा ऑपरेशन रिसर्च में चलेगा और ऑप्टिमाइजेशन में चलेगा, एंड ऑप्टिमाइजेशन समवेयर कन्वर्जेस इनटू एनालिटिक्स. तो ये काफी अब ग्रोइंग फील्ड है. सो फिर प्लेसमेंट्स यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे एमटेक ब्रांच भी है, तो एमटेक के होने के कारण यहाँ पे प्लेसमेंट्स सही चला जाता है. अभी बीटेक भी शुरू किया शायद उन्होंने, बीटेक भी इस साल से लॉन्च हो गया है. तो वी हैव आवर फर्स्ट बीटेक बैच इन द इंस्टीट्यूट. बीटेक इन ओआर, एमटेक इन ओआर, एमएससी इन ओआर, पीएचडी इन ओआर, तो वो डिपार्टमेंट चार कोर्सेज ऑफर करती हैं. एग्जैक्टली. और इंटरडिसिप्लिनरी उनका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च अलग डिपार्टमेंट है जो ये कोर्स ऑफर करती है. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. सो वो है डिफरेंस, ऐसा एज पढ़ाई में है बस. बाकी तो एएसआई वाले भी एनालिटिक्स प्रेफर कर रहे हैं, और ऑपरेशन रिसर्च वाले अगर सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हैं, वहाँ जा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, दे हैव एन ऑप्शन. अगर नहीं जाना है, एनालिटिक्स में रहना है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एनालिटिक्स ऑल्सो, बिकॉज सेकेंड सेमेस्टर में यू विल बी हैविंग दिस इलेक्टिव ऑफ मशीन लर्निंग, इन थर्ड सेमेस्टर यू विल बी हैविंग एन इलेक्टिव ऑफ डीप लर्निंग, सो यू कैन पेव योर वे. सो वैसा है, प्लेसमेंट दोनों जगह से सेम ही हो जाएगी. हाँ सब्जेक्ट अलग, क्योंकि यहाँ पे वही सब्जेक्ट है जो बीएससी में पढ़े हो आप, एक लेवल अलग है बस. मुझे याद है डेटा माइनिंग इलेक्टिव कोर्स आता है एएसआई में सेकेंड ईयर में. डेटा माइनिंग ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स है जो कि पढ़ाते स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर ही है. हमारे समय में रजनी मैम थी, वो पढ़ाई थी. तो वैसा है। तो डेटा माइनिंग इसमें सेकेंड सेमेस्टर में भी आता है। बाकी कोर्सेज वही हैं जो आप फैमिलियर हैं। तो कोर्सेज एएसआई में वही कोर्सेज हैं जो बीएससी में आप पढ़ते हैं, बस उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस या नॉन पैरामेट्रिक या वही प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स लीनियर अलजेब्रा ये सब है, लेकिन आगे जाके सेकेंड सेमेस्टर में आपके प्रोजेक्ट्स हैं और ये हैं। बाकी सबके अलग रोल है, दोनों कोर्स का अपना एडवांटेज है। जनरली क्या होता है, ओआर में चीज़ें नहीं हैं तो कुछ बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वहाँ जाके। जैसे हमारा एक स्टूडेंट था जो है 21 में ज्वाइन किया था, वो मैथ बैकग्राउंड था उसका, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, क्योंकि वो मैथ तो बहुत कम है। तो वहाँ वो ओआर में जाके फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिकॉज वो ना तो उसको कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है ना ही स्टैट्स का बैकग्राउंड था, और जैम एमए के थ्रू ज्वाइन किया था, तो उसको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। बाकी आपको उस फील्ड में जैसे बताया इन्होंने मशीन लर्निंग या एआई या डीप लर्निंग में जाना है तो ओआर इज अ बेटर चॉइस, है ना। यस सर जी। बाकी आप लोग भी कुछ ऐड करना चाहेंगे तो बता सकते हैं, जो एक्सपीरियंसेस अभी तक रहा हो आपके बॉम्बे में ओआर वर्सेस स्टैट्स का। मैं भी जबकि बॉम्बे गया था, मैं ओआर में ही गया था एडमिशन, लेकिन तो दिक्कत क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एएसआई भरा था, सेकंड ओआर था, मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल गया, तो अब मेरे पास चॉइस ही नहीं बचा। लेकिन मैं गया था ओआर के लिए ही एक्चुअली बॉम्बे में, तो वैसा था। ओआर का तो मतलब एज आई सेड अर्लियर कि इंस्टीट्यूट में गिने चुने ब्रांचेस है जो ये जो हाइप्ड है वर्ड्स एआई एमएल डीप लर्निंग एनएलपी ये सब ऑफर कर रहे हैं। सो ओआर इज वन ऑफ दीज फ्यू ब्रांचेस ऑफ आईआईटी बॉम्बे जो ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। हाँ। तो ओआर तो वैसे ही डिमांड में होता है, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जहाँ, तो वो लोग अप्लाइड फील्ड पे काम। मुझे याद है जो प्रोफेसर लोग हैं, जैसे उसमें एचओडी थे हमारे टाइम पे, जयवर्धन समथिंग सर थे। हाँ। सो आई जेवी सर। हाँ, तो जैसे कुछ उनके प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट लेते, रेलवेज के प्रोजेक्ट है जैसे आपने बताया भी कि रेलवेज के प्रोजेक्ट है, एयरफोर्स या नेवीज के प्रोजेक्ट हैं, ये लोग उन पे काम करते हैं, रियल लाइफ एप्लीकेशन पे काम करते हैं। तो इस तरह हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स पे डायरेक्ट काम करते हैं। और जो स्टैट्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं वो उनके थ्योरेटिकल रिसर्च है ज़्यादातर, और जो काम करते हैं वो डेटा लेके काम करते हैं उस तरह से, क्योंकि इस तरह का डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ें इंडायरेक्टली हेल्प करती है टेक्नोलॉजी को। हाँ, बट देन वही है, किसी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा है कि वो बाहर की चीज़ें हैंडल नहीं कर पाएगा 2 साल में, तो उसके लिए एएसआई वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि मैथमेटिक्स और स्टैट्स ही है, तो वो बेटर होगा हैंडल करने में। अगर किसी को नया नया एक्सप्लोर करना है कि सारे सब्जेक्ट्स अलग से पढ़ने हैं, अभी स्टैट्स कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, अभी कुछ नया ट्राई करना है, तो फिर ओआर कैन बी एन ऑप्शन। हाँ, यू कैन सी द दोनों कोर्स के स्ट्रक्चर देखो। एएसआई में जनरली मैथ स्टैट्स के कोर्सेज हैं जो आप फैमिलियर हैं, और उसमें नए नए कोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो वो उसका एडवांटेज है। तो अपना आप प्रेफरेंस देख के यू कैन चूज योर सेल्फ, है ना। Anything anyone want to add? हाँ सर, स्मॉल डिस्क्लेमर होगा, बट देन चीज़ें ऐसी ना कि एएसआई का ये भी एक ध्यान में रखना होगा कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, वहाँ के जो सीनियर्स पास आउट हुए हैं सुपर सीनियर्स, उनके प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, और जो कंपनीज में परफॉर्म कर रहे हैं वो भी अच्छा है। ओआर कंपैरेटिवली एक न्यू ब्रांच है, सो फिर वो भी एक माइंड में रख के आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उसमें आपको मतलब एक अच्छा एक्सपर्ट प्लेयर होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, टाइम लगेगा। एग्जैक्टली, तो ये है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेंगे बच्चे। थैंक यू, आपने अच्छा बताया। तो और कोई ऐड करना चाहेंगे कुछ ओआर वर्सेस स्टैट्स में, किसी को कुछ एक्सपीरियंस हो तो? एक मुझे क्वेश्चन था जी, कैन आई आस्क? हाँ सर, अगर एएसआई में एडमिशन लिया और एमएल या एआई या डीएल के कोर्सेज करने की हमारी इच्छा है, तो हम कर सकेंगे कि वहाँ पे? आप लोगों को पता है, बताइए फिर मैं बताता हूँ। यस सर, मतलब इंस्टीट्यूट में इलेक्टिव्स के रूल्स होते हैं कि आपको डिपार्टमेंट में अपने डिपार्टमेंट के कितने इलेक्टिव लेने हैं और बाहर के डिपार्टमेंट के कितने इलेक्टिव ले सकते हो। तो जनरली स्टैटिस्टिक्स के बच्चे मशीन लर्निंग ऑप्ट करते हैं, वो ओआर से ऑप्ट करते हैं सेकंड सेमेस्टर में। यस, तो यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, यू कैन स्टडी एमएल फ्रॉम आईओआर डिपार्टमेंट इन सेकंड सेमेस्टर इटसेल्फ। जी, मैं ऐड करना चाहूँ, मेरे 2 क्लासमेट थे, एक प्रियंका भार्गवा थी और एक अंकिता धरगर है। अंकिता धरगर अभी मैथ्स डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रही है, मेरी क्लासमेट है, तो वो हमारी टीए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वो मेरी क्लासमेट थी, आईआईटी बॉम्बे में हम लोग क्लासमेट थे। आई आस्क्ड हर अबाउट यू, शी सेड यस यू एंड अंकिता, बोथ आर मतलब क्लासमेट। हाँ, हम 2 लोग थे जो पीएचडी प्रेफर्ड किए थे, उसका एडमिशन हो गया, क्योंकि वो बहुत हमारे क्लास के टॉपर थी, लाइक सी वाज, हम एवरेज बच्चे थे, मैं बॉम्बे में भी एवरेज था, अंकिता वाज वन ऑफ द मतलब टॉप 5 बच्चों में से एक थी वो, तो सी डायरेक्टली गॉट पीएचडी, बिना नेट गेट निकाले डायरेक्टली एमएससी के बेस पे उसको पीएचडी मिल गया, सीधा सीधा बिना कोई टेंशन लिए। एमएससी मतलब एमएससी की डिग्री उसकी पीएचडी में कन्वर्ट हो गई, बिकॉज सी वाज टॉपर देयर। आप लोगों के पास भी ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन है ज्वाइंट डिग्री में कन्वर्ट करने का, मेरा नहीं हुआ बिकॉज आई वाज एवरेज देयर एंड आई कुड नॉट परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू, तो वैसा था। तो अंकिता का जो गाइड है ना, सुपरवाइजर है, वो ओआर डिपार्टमेंट का है एक्चुअली। अभी आप सुपरवाइजर जो उसके मेन सुपरवाइजर है वो ओआर के डिपार्टमेंट, ओआर में ही वो प्रोफेसर हैं, और दूसरी बात मैं प्रियंका का बात कर रहा था, तो अंकिता इज डूइंग पीएचडी, तो पीएचडी जबकि वो पीएचडी करे मैथ्स डिपार्टमेंट से, जबकि उसका सुपरवाइजर ओआर डिपार्टमेंट में है, ठीक है। दूसरा जो उसकी फ्रेंड ही अंकिता प्रियंका थी जो मेरी क्लासमेट थी, हम लोग दोस्त थे, मतलब हम लोग का ग्रुप था टाइप का, तो हम लोग अक्सर अंकिता, नेत्रा, प्रियंका, मैं, हम लोग साथ में पढ़ते थे। सो वैसा है, या डिस्कस करते थे चीज़ों को। तो उसमें क्या है कि प्रियंका का भी जो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर एमएससी में, वो ओआर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर थे। तो सीडी प्रोजेक्ट जो थर्ड सेमेस्टर में आप लोग का प्रोजेक्ट आएगा, जो बॉम्बे एमएससी स्टैट्स में है, मैं भी उसी में था, तो थर्ड सेमेस्टर में ऑप्शनल प्रोजेक्ट आता है, मतलब आपकी मर्जी आप लेना लो, नहीं तो मैं शिवली मुखोपाध्याय मैम कंडक्ट कर रहा था, तो वैसा है। और बाकी तो आपके पास ऑप्शन, इट्स नॉट लाइक कि सुपरवाइजर आपको अपने डिपार्टमेंट से ही लेना है। अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो यू कैन चूज आउटसाइड, ओआर में चूज कर सकते हो। इलेक्टिव्स का ऑप्शन, जैसे रूल्स हैं कि इतने कोर्सेस इलेक्टिव में आपको अपने डिपार्टमेंट से लेने, इतने बाहर डिपार्टमेंट से लेने हैं, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट कोर्स भी चूज कर सकते हैं एज इलेक्टिव्स। ये ऑप्शंस है सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई पूछना चाहे? सर जी जी सर, जैसे हम अभी मतलब कि 4-5 महीने स्टार्ट किया, आपको तो पता ही होगा फरवरी मार्च में जी, तो उससे पहले तो सिर्फ 10 तक ही पढ़े थे बिहार बोर्ड से, तो मतलब कुछ नहीं पढ़े थे। तो अभी तक जितना भी किया है वो सिर्फ क्वेश्चन के बेस्ड पे ही कर रहा हूँ कि हाँ हो जाएगा, तो अच्छा चल रहा है अभी। बट क्वेश्चन ये था कि जैसे बॉम्बे और कानपुर ऐसे में तो ओनली थ्योरी रहता है, कोई क्वेश्चन उतना रहता नहीं है, तो ये तो यूजफुल ही नहीं होगा ना फिर? नहीं, लेकिन ये तो बेस है ना। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अभी आप जैम की तैयारी जो कर रहे हो, तो अभी तो मेन पर्पस आपका जैम निकालना है। जैम निकलेगा तभी तो बॉम्बे कानपुर में थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी तब पढ़ोगे जब जैम निकलेगा। पहले जैम निकालना जरूरी है ना, अभी नेक्स्ट टारगेट है आपका जैम निकालना। जब जैम निकलेगा उसके बाद जो आईआईटी में जाओगे उस लेवल पे खुद ही पहुंच जाओगे। मतलब प्रेशर में ना खुद ही आदमी उस लायक हो जाता है। जब तुम आईआईटी में पहुंचोगे तो तुम्हें इतने प्रेशर होगी, तुम्हें वैसा बनना ही पड़ेगा, बन जाओगे अल्टीमेटली। अगर छोड़ोगे नहीं ना, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कोर्स। गिव अप नहीं करोगे तो अल्टीमेटली पास हो जाओगे और हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन आपका क्वेश्चन मैं ठीक से समझा नहीं। आपने कहा कि 10 तक ही आपने मैथ्स पढ़ा है ना? उसके बाद अभी जैम की तैयारी आपने 4-5 महीने शुरू किया पहले, तो आगे आईआईटीज में थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं, फिर वो क्या कहना चाह रहे समझ नहीं आया। हाँ यही, अच्छा थ्योरेटिकल कोर्सेज हैं तो ये हेल्प नहीं करेगा वहाँ पे, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, कि मतलब कि ऐसे थ्योरी तो अभी भी कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ, उसके बाद जो कर रहा हूँ तो सब सोल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन, थ्योरी तो सब जा रहा है। वही थ्योरीज वही है जो लिखाते हैं, डेफिनेशन, थ्योरम, प्रूफ, फिर उससे प्रॉब्लम्स, तो है तो वही जो वहाँ पढ़ाते थ्योरेटिकली प्रोफेसर। वहाँ ट्यूटोरियल्स अलग होती है, वहाँ पे टीए जो असाइन, अंकिता का नाम लिया इसने, टीए अलग असाइन होते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम सीट दिए जाते हैं। क्लास में प्रोफेशनली थ्योरीज पढ़ाते हैं, क्वेश्चन बहुत कम कराते हैं, फिर वो ट्यूटोरियल सीट देते हैं तुम्हें सॉल्व करने को। जैसे मैं असाइनमेंट देता हूँ तो वैसे ही वो लोग भी अपना ट्यूटोरियल सीट देते हैं कि ये सॉल्व करके आओ। डाउट होगा तो उनका टीए है, टीए जो स्कॉलर्स होते हैं वहाँ पे पीएचडी कर रहे होते हैं, तो उनके साथ अलग से ऑफिशियली ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं जहाँ पे तुम उनके साथ सॉल्यूशन डिस्कस कर सकते हो। प्रॉब्लम वहाँ भी करना होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन ही आते हैं जो सेमेस्टर एग्जाम, चाहे क्विज हो, मिड सेम हो, एंड सेम हो, आते क्वेश्चन ही हैं वहाँ पे सॉल्व करने का। मे बी प्रूफ दैट हो सकता है, या कुछ क्वेश्चन जनरली अप्लाइड क्वेश्चन ही होते हैं ज्यादातर। प्रूफ कम ही पूछते हैं, थ्योरम्स का प्रूफ तो बिल्कुल नहीं पूछते, जो क्लास में पढ़ाते हो तो बिल्कुल नहीं पूछते, कुछ नया ही पूछते हैं सेमेस्टर में या क्विज में, मिड सेम एंड सेम में। पढ़ाते तो समझने के लिए हैं, पूछते हैं बाहर के ही हैं। वो जो पढ़ा दिए वो तो नहीं पूछेंगे, जो क्वेश्चन क्लास में तो पक्का नहीं आएगा, वो कुछ नया ही आएगा। ये जी सर, करेक्ट कर रहे हैं आप। तो वहाँ पे आपको अपना मेंटल एबिलिटी यूज करना होगा, तो जो पीछे की चीजें तुम्हें समझ आई होगी तभी तो आगे की चीजें कर पाओगे। मतलब जो क्लास में पढ़ा दिया उससे नई चीज़ें तुमसे पूछेंगे, तुम्हें वहाँ पर ब्रेन थिंकिंग चाहिए तभी कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। ये है, रट्टा मार के कुछ नहीं होगा वहाँ पे समझना होगा चीज़ों को। ये है, तो पर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और मींस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो वहाँ पे प्रॉब्लम एग्जैक्टली जैसे चीज़ों को पकड़े, तुम जो पढ़ाया गया उसको आगे तुम अप्लाई कर सको, वो तुम्हारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि जो पढ़ाया उन्होंने और जो वो पूछ रहे हैं उस बीच में गैप है, उस गैप को फिल करना पड़ेगा तुम्हें। ये है, तो वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारा मेंटल एबिलिटी है जो तुम्हें उस लायक बनाएगा। इसलिए जीरो आते हैं ना वहाँ पे लोगों के, क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया वो पढ़ के तो वो जाते हैं, अब पूछते कुछ नया है, अब जो गैप को नहीं फिल कर पाया उनसे होता ही नहीं है, तो उनके जीरो आते हैं। और जो बच्चे थोड़ा सोच के कुछ करके पहुँच जाते हैं तो उनके मार्क्स आते हैं। तो ऐसा होता है, तो पूछते कुछ नया ही है। जैसे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम में, जैसे जैम में जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा, सिमिलरली उसी के आसपास आएंगे, बहुत नया नहीं आता है। लेकिन वहाँ पे सब नया ही आएगा ऑलमोस्ट, जो पढ़ाते हैं उसके बाद पूछेंगे उसके अगली चीज़ें, उसके अगला लेवल पे। तो वो नहीं, जो क्लास में क्वेश्चन करा दिया वो तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे ये चीज़ें, ना वो क्विज में आएगा, ना मिड सेम में आएगा, ना एंड सेम में आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। वो नया चीज़ें आएंगी, वो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, है ना। बोनस क्वेश्चन हमें कम्युनिटोरिक्स पढ़ाए थे, मैं भूल गया छोड़ो, वो यंग से काफ़ी फैकल्टी है ना उनका नाम, तो वो बोनस क्वेश्चन देते थे, रिसर्च लेवल क्वेश्चन देते थे कि सॉल्व करो इस तरह से। तो वैसा है। साहा, कौन से साहा है सर, किसको याद है बॉम्बे में? एक सतीश कौशिक साहा सर। हाँ, तो हमें कौशिक साहा सर ने कम्युनिटोरिक्स पढ़ाए थे, और वो जब क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पेपर होता था पीछे एक बोनस क्वेश्चन लिखते थे वो रिसर्च लेवल का, कि जो सॉल्व कर दिया, मान लो क्विज 10 नंबर का है तो 5 नंबर का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मतलब 15 मार्क्स का पेपर है तुम्हारा, समझ लो 5 नंबर बोनस क्वेश्चन है, वो रिसर्च लेवल के प्रॉब्लम है, अगर तुम सॉल्व कर दो तो 5 नंबर एक्स्ट्रा है, तो 10 नंबर क्विज में तुम्हारे 15 मिल सकते हैं अगर तुमने कर दिया तो वैसा होता था, तो वो ऐसे क्वेश्चंस देते थे। तो इस तरह से भी है, तो वो तो जब वहाँ पहुँचोगे तब ये सब सोचना, अभी सोचो कि जैम में अच्छे रैंक कैसे आएंगे, बॉम्बे कानपुर एनआईटी कैसे पहुँचोगे, अभी ये सोचो, उसके बाद वहाँ हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है ना, तभी उस पर वर्क करो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सर। जी सर, आई जस्ट वांट टू आस्क के फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स के मतलब व्हाट आर द रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 3 months, लाइक शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द नोट्स और गो थ्रू विद द नोट्स? सर जब मैं नोट्स रिवाइज करती हूँ तो सारा टाइम नोट्स रिवाइज में ही चला जाता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचता, तो मतलब लाइक आई हैव टू रिवाइज फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स और आई कैन स्किप द शॉर्ट नोट्स एंड गो विद द क्वेश्चंस। जी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो कैसे रिवाइज करे, नोट से करे या शॉर्ट नोट से करे या कैसे रिवाइज करे? तो एक काम कर सकते हो आप, टाइम डिवाइड कर लो ना, पहले 2 घंटे, जैसे कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो आप, पहले डिफरेंशिएशन की थ्योरी कर लो और फिर 2 घंटे क्वेश्चंस लगाओ। ऐसा मत करो कि आप एक बार में डिफरेंशिएशन भी पढ़ रहे हो, इंटीग्रेशन भी पढ़ रहे हो, तो पूरी थ्योरी मत पढ़ो, मतलब टाइम डिवाइड कर करके पढ़ लो, उससे अच्छा होगा, धीरे धीरे होगा। और अभी से शॉर्ट नोट्स में मत जाओ, जो सर अभी पूरा नोट्स बेकार है ना, पढ़ते रहो, लास्ट टाइम होता है कि तब तुम शॉर्ट नोट्स कर सकते हो, जब कंसेप्ट्स एक-एक क्लियर हो ना तब जाओ तुम शॉर्ट नोट्स पे। मतलब शॉर्ट नोट्स मैंने इस तरीके से बनाए कि जैसे कोई क्वेश्चन करा तो उसमें एक जनरली एक फॉर्मूला लग रहा है और वो मतलब डायरेक्ट पुट हो रहा है 2-3 क्वेश्चंस में, तो उसको मैंने एटलीस्ट अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो वो ऐड कर रही हूँ शॉर्ट नोट्स में, तो उसको तो मतलब जैसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब जैसे मैंने एक चैप्टर खोला तो उसको मुझे मैक्सिमम कितने दिन देने हैं, कि हाँ मतलब मुझे इतना दिन लगा के चलना है कि मेरा इतने में रिवीजन हो जाएगा पूरा सिलेबस का, मतलब लाइक दैट। पहले तो यार धीरे-धीरे ही कर सकते हो। बाकी लोग भी बताना चाहो। हाँ, लखराज तो बताया कि जैसे पहले पूरा रिवाइज करो, बाद में शॉर्टनेस्ट प्रेफर करो, है ना, इनका पॉइंट था। हाँ, बाकी लोग अपना पॉइंट देना चाहे या फिर से बता सकते हो लखराज आप। हाँ, मुझे लगता है वन बाय वन कोई दिक्कत नहीं। यस दीपांशु, फिलहाल आप रिवाइज करो जैसा लेखराज ने बताया, इसके बाद जब लास्ट मंथ आएगा उस टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। और कितना टाइम रिवीजन को दे, ये आप लोग बताइए, हरिओम और नेहा। सर ये जो मतलब अभी लास्ट टाइम चल रहा है ना, तो जैसा आप बोलते हैं हमेशा पीवाईक्यू लगाओ पीवाईक्यू लगाओ, तो मुझे लगता है ना लास्ट टाइम पे क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन में जो भी जहाँ भी हम लोग फंसते हैं, क्वेश्चन में 2 लाइन लगता है या 4 लाइन, जहाँ भी हम लोग रुक जाते हैं तो उस टॉपिक का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, उस टॉपिक को देख लेते हैं, अच्छा इसको कैसे लगाएंगे, बस क्वेश्चन के लिए, तो ये सबसे अच्छा रहता है, उससे कवर हो जाएगा। अदरवाइज रिविजन के टाइम पे ना 2-4-4-4-5-5 घंटा चला जाता है, लगता है कि रिविजन किया बट उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, फिर क्वेश्चन लगाने के टाइम मिलता ही नहीं, फिर अगले दिन यही करते हैं। तो मुझे लगता है ना क्वेश्चन लगा के रिवीजन करना चाहिए, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन हो जाएगा। हाँ, yes, जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आपको रियलाइज होगा क्या नहीं आता, उस पे काम कर सकते हो आप। यस सर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जिससे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने से पता चलता है कहाँ पे मेरा छूटा हुआ है, वो जा करके करें, ये ज्यादा वेस्ट है। और टाइम टेबल को तो वो करना, डिवाइड करना ही है कि मैथ्स के लिए इतने टाइम देना है और ये स्टैट्स के पोर्शन इतने देना, और मॉक टेस्ट के लिए 3 घंटे देना जरूरी है। मतलब अगर सर का शॉर्ट्स वाले जो है प्रोबेबिलिटी के, मतलब फर्स्ट के जो कुछ वो है मॉक टेस्ट, वो तो 15-20 मिनट्स के वैसे है, बाकी अगर वो उसमें प्रॉपर टाइम दे रहे हो तो उससे मतलब मॉक टेस्ट अगर अच्छे से 20-25 भी दे रहे हो ना तो बहुत अच्छे हो जाएंगे मॉक टेस्ट क्वेश्चन से। तो सर हाँ नेहा, मतलब नेहा भी है कुछ आंसर उस बात देखते हैं। हाँ नेहा, आप कुछ आंसर करना चाहोगे कैसे रिवाइज करे या कैसे क्या करे? ये जैसे इनका क्वेश्चन था अभी। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर तो हमेशा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज सारे दे देते हैं, तो थ्योरी से कोई मतलब ज्यादा यूज नहीं होगा जितने आप ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस करोगे। तो जो हर टॉपिक अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन किया तो उसके ऊपर पीवाईक्यूज है, अलग से पीडीएफ है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे एक जगह पे है। तो डिफरेंशिएशन के अलग पीडीएफ होगा आपके पास, तो वो आप अच्छे से सॉल्व कर लो। तो ऐसा करो, तो ज्यादा थ्योरी भी यूजफुल नहीं होगा कि सिर्फ थ्योरी रीड करके आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। मतलब क्वेश्चन कई बार थ्योरी आप पूरा पढ़ लोगे लेकिन आपसे क्वेश्चन फिर भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग से अप्रोच भी चाहिए होता है थ्योरी के अलावा, कि यू शुड नो हाउ टू अप्रोच। ये है, पूछिए। तो सर मतलब जैसे मैंने एक चैप्टर आज करा तो उसमें मुझसे जो जो क्वेश्चन आज नहीं हुए तो मैं उसके अगले दिन सिर्फ वही क्वेश्चन करूँ जो मुझसे आज नहीं हुए, इस तरीके से लेके जाऊँ। हाँ, जैसे मान लीजिए जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, ये लोग कह रहे हैं उसके जैसे मेरे टॉपिक वाइज असाइनमेंट से पीवाईक्यू वाले, तो वो आपने सॉल्व कर लिए। मान लो उसमें 200 क्वेश्चन है, 200 में 20 आपसे नहीं हुए, तो 20 क्वेश्चन या तो आप किसी से डिस्कस करोगे क्योंकि आपसे तो हुए नहीं, तो अब जैसे या तो मेरे से डिस्कस करोगे क्लास में, डाउट क्लास में, या वैसे या ग्रुप में आप डिस्कस करोगे, तो उन क्वेश्चंस को कुछ टाइम बाद आप खुद से, या सॉल्यूशन मिल गया तो खुद से एक बार सॉल्व करके रख लो, और नेक्स्ट टाइम उन्हीं क्वेश्चन में फोकस करो जो पिछली बार नहीं हुए थे। लाइक 200 में अगर आपने 100 क्वेश्चन इजीली कर दिए तो नेक्स्ट रिवीजन में उसको इग्नोर करो, यू डोंट सॉल्व दोज 100 क्वेश्चन। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करो नेक्स्ट टाइम में जो आपको पहली बार में मुश्किल लगे थे, तो आप उसको सॉल्व करो, तो उसके थ्रू आपका कॉन्सेप्ट अपडेट हो जाएगा। ये है। ओके 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 सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और किसी का क्वेश्चन है? चैट में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप चैट को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, चैट पढ़ना पड़ेगा मुझे फिर तो ऑपरेशन रिसर्च। हाँ हाँ, अच्छा इसमें है जी जी। और कोई पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछिए। और सर ये जैम के पीवाईक्यूज के साथ साथ हम गेट और आईएसआई के भी लगा सकते हैं, बताइए आप लोग। जैम के पीवाईक्यू के साथ साथ यस यस डेफिनेटली यू कैन ट्राई, बिकॉज़ या फिर ये जैम के बाद करना चाहिए गेट, और वो गेट तो खैर नहीं, आईएसआई का राइट। जैम फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व जैम पीवाईक्यूज, देन आफ्टर गेट, देन आफ्टर आईएसआई, बिकॉज़ आईएसआई का लेवल समथिंग हायर देन बोथ एग्जाम्स। हां, और गेट स्टैटिस्टिक्स में भी उतना ही करना है जो जैम से ओवरलैप हो रहा है सिलेबस, एक्स्ट्रा नहीं करना है। नॉन पैरामीट्रिक या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ये जो ये 20 मार्क्स के एक्स्ट्रा टॉपिक गेट में, उसको इग्नोर करो। नॉन पैरामीट्रिक है, मल्टीवेरिएट है, उधर जो टॉपिक है इस तरह से, उसको इग्नोर करो। गेट के वो क्वेश्चंस करो आप जो जैम के सिलेबस के हैं, एंड ट्राई टू कवर होल सिलेबस टिल लास्ट नवंबर, बिकॉज़ लास्ट 2 मंथ जस्ट फोकस ऑन रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। क्योंकि हमने सिलेबस तो 15 अक्टूबर को हमारा खत्म हो गया अभी लास्ट 5 दिन पहले, अब क्रैश कोर्स कल से स्टार्ट है, तो हमने इसलिए सेशन रखा है कि सो दैट बच्चे एक बार मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कैसे आगे 3 महीने अपना स्पेंड करना है। बिल्कुल, अभी तो सिलेबस अभी कर लो। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू नहीं किए हो तो कर लो, वो हमने मॉक टेस्ट में भी अपलोड कर दिया, वही टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी, तो वहाँ भी है। और फिर आप बाद में, अभी पहले पीवाईक्यू ढंग से निपटाओ। अभी कल से मैं पीवाईक्यू स्टार्ट करूँगा, बताऊँगा क्या है। तो अभी के लिए पहले आप सिलेबस पीवाईक्यू पे वर्क करो, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज, उसके बाद फिर ईयर वाइज मैं खुद ही कराऊंगा। अभी कल से ईयर वाइज ही डिस्कशन होगा पीवाईक्यू, उसके बाद मॉक टेस्ट होगा, तो उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट प्रॉब्लम। एक बार थ्योरीज पूरा कर लिए ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको खुद ही रियलाइज होता रहेगा किसमें क्या सीखने की जरूरत है। थ्योरीज लिमिटेड है, क्वेश्चंस का लेवल और अप्रोच अनलिमिटेड है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम चैट में से ले लेते हैं, और कोई पूछने वाले हैं? चैट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चलो 1 by 1 ले लेते हैं। तो बाकी आंसर तो कर ही दिया इन लोगों ने। हाँ ठीक है, सो बहुत सारे क्वेश्चन तो आंसर्ड हो गए हैं। कह रहे व्हाट आर द कॉन्स ऑफ DU MSc स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम, एंड इफ वी हैव द सेम placement then why students prefer IIT? हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो DU में, जैसे अभी कानपुर में अभी दीपांशु जानते हैं, एकता साहिल जो हैं, ये DU में MSc कर रहे थे, 1 साल करके छोड़ के चले गए। हमारे क्लास में भी जब मैं बॉम्बे में था बहुत सारे बच्चे थे जो MSc DU में कर रहे थे, छोड़ के चले गए। पिछले साल भी जैसे आप लोगों के सीनियर में होंगे जो बच्चे हैं, रीतिका है, या उधर बहुत सारे बच्चे हैं जो MSc DU में कर रहे थे ऑलरेडी। जैसे आपके सीनियर में होंगे दीप्तांशु, ईशान भी DU में MSc कर रहा था, वो वहाँ चला गया। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं, और बॉम्बे में बहुत सारे बच्चे होंगे जो DU में थे, छोड़ के चले गए। तो इनका क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों होता है? आप लोग बता पाएंगे? आई थिंक एक आंसर ये हो सकता है कि आईआईटी के टैग के लिए, डीयू का टैग और आईआईटी के टैग में, एक तो आईआईटी से पढ़े हैं तो उसका बहुत एक अच्छा इन्फ्लुएंस रहता है और बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं बताता हूँ, अगर कहीं पे जब हम जाते हैं ना और किसी को पता चलता है आईआईटी से है तो उसका इफेक्ट तो पड़ता है, मतलब एक रिस्पॉन्स बदल जाता है लोगों का ना, इस तरह से कि आईआईटी से हो तो एक टैग एक तो इम्पोर्टेंट है, प्लेसमेंट दोनों जगह से हो जाते हैं तो जॉब आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, ये है। लेकिन आईआईटी में एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंसेस और उसका जो प्लेसमेंट तो है ही, प्लेसमेंट के साथ टैग है, एक्सपीरियंस है, आईआईटी का जो मार्केट में आईआईटी का एक रेपुटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये वैल्यू है एक्चुअली, इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं, है ना। दे गो बिहाइंड टैग। ये पूछ रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च इज ऑल्सो टॉट इन बिजनेस स्कूल्स लाइक NITIE, सो वेयर कैन वी गेट बेटर स्किल एंड प्लेसमेंट। तो ये NIIT क्या है भाई? अच्छा, उन्होंने आंसर कर दिया, ठीक है। हाँ, चैट में आप लोगों ने आंसर तो कर ही दिया ऑलमोस्ट। तो कैट के थ्रू अलग अलग रिसोर्सेस आई थिंक मुझे लगता है। तो नीटी जो है वो बिजनेस स्कूल है एक्चुअली। सो अभी IIM मुंबई हो गया है वो। अच्छा, अब IIM मुंबई कर दिया। तो वहाँ पे MBA ऑपरेशंस होता है, तो इट्स मतलब उनका चॉइस है कि उनको MBA चाहिए ऑपरेशंस में या फिर MSc चाहिए। हाँ, तो वैसे डिपेंड कर सकता है। फिर MSc के बाद MTech भी कर सकते हैं, तो MTech OR भी मिल सकता है। तो इट्स देयर चॉइस एट लास्ट। बट देन कोर्सेज तो यहाँ पे भी अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट ही है। और ये काफ़ी UC बकले जो होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बकले, उसके गाइडलाइंस पे काफ़ी डिपार्टमेंट को रिलेट करता है। सो अच्छा चल रहा है कोर्स यहाँ पे, करिकुलम अच्छा चल रहा है। हाँ, ओरिएंटेशन थोड़ा अलग हो, जैसे हम लोग का ओरिएंटेशन एनालिटिक्स से सब ज़्यादा है बॉम्बे में जो है, और IIM में हो सकता है मैनेजमेंट के तरफ ज़्यादा ओरिएंटेशन हो, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्टली और भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कोर्सेज आपके हैं वो कहीं ना कहीं मैथ्स स्टैट्स से रिलेटेड, मैथ्स स्टैट्स और AI ML से रिलेटेड है। वहाँ जो कोर्सेज होंगे ये होंगे, लेकिन साथ में मैनेजमेंट के कोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो उनका ओरिएंटेशन मैनेजमेंट के साइड होगा। ये है। जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी तो मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर किया है। सो सब लोगों ने चैट में आंसर तो कर ही दिया है। ये लोग जितने लोग हमारे जो गेस्ट हैं, इन्होंने चैट में तो आंसर ऑलमोस्ट कर ही रखा है। सो आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन। जी, पूछिए सर। अभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी BSc कर रही हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि अभी कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करने चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी सिर्फ जाम पे फोकस करूँ या जाम का स्टडी करते करते कुछ जो एक्स्ट्रा कोर्सेस होते हैं बाहर के वो भी करूँ? बताइए आप लोग, मतलब जाम के साथ बाहर के कोर्सेस करने चाहिए? हाँ, एक्स्ट्रा इन द सेंस थोड़ा स्पेसिफिक बता सकते हैं क्या एक्स्ट्रा करना? जो मतलब ML का, AI का, या फिर ओके आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, इसका ऐसा है ना कि पहले इफ यू वांट एंट्री चाहिए होती है एट द एंड सबको, कि इंडस्ट्री में एंट्री चाहिए, कॉर्पोरेट में, करेक्ट। सो वो वैलिडिटी भी देखते हैं कि अगर आपके पास डिग्री है तो एक स्मूथ एंट्री मिल जाएगी, बाकी कोर्सेज करोगे तो यू विल हैव टू गो फॉर दिस ऑफ कैंपस थिंग, कि ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो या फिर अपने से ट्राई कर रहे हो। और अभी वो टाइम रहा नहीं कि वो स्किल सीखने बैठोगे लास्ट के 3 महीने, क्योंकि अगर उस पर फोकस दे दिया तो फिर जैम मुश्किल हो जाएगा निकालना, अनलेस बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन है आपकी। अगर वैसा नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि पहले जैम पे फोकस करना सही रहेगा फेब्रुअरी तक एटलीस्ट। उसके बाद 4 महीने का टाइम मिलता है, 4 महीने में यू कैन फोकस ऑन दीज एक्स्ट्रा कोर्सेज वॉट एवर यू आर मैंशनिंग। और उसमें अगर बेसिक्स भी करके आ जा रहे हो तो यहाँ पे कोर्सेज में तो वही पढ़ाया जाएगा आखिर में। सो यू विल बी ऑन अ बेटर साइड ऐसा। सो अभी जैम पे फोकस करना बेटर होगा, और बाद में फिर फैब के बाद यू विल हैव रफली 4 months बिफोर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट। सो तब अपना सीख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा कोर्सेज करना है, या फिर नहीं भी करोगे तो यहाँ पे सीख ही लोगे। एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि आपके पास पहले जैम निकल जाएगा, आपको जैम अच्छा एग्जाम हो गया, अच्छा रैंक मान लो आने के चांसेस हो गए, तो आप बाद में फरवरी में खत्म होगा। 2 फरवरी को एग्जाम है जैम का। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपका एडमिशन IITs में एंड ऑफ जुलाई होगा। तो देख लो कितने महीने हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 6 मंथ है। उस 6 मंथ में आप ऑनलाइन कोर्सेज करो, प्रिपरेशन पहले से कर लो, वहाँ जाकर जो पढ़ना है किसी सीनियर का कांटेक्ट लेके वही चीज़ पहले से पढ़ लो, तो वो टाइम है। तो अभी आप 3 महीने बचे हैं, फुल जैम पे प्रिपरेशन करो, अच्छा सा रैंक लाओ, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ। और ये सब चीज़ें बाद में भी किया जा सकता है, MSc के दौरान भी कर सकते हो। MSc में भी समर इंटर्नशिप होते हैं, वहाँ पे हैं, समर वैकेशन है, विंटर वैकेशन है, तो ये सब वहाँ भी किया जा सकता है। इन सेमेस्टर बीच में भी किया जा सकता है, तो वो सब इतनी जल्दी नहीं है। अभी आप मेन अपने एंट्रेंस क्वालिफाई करने पर फोकस करो, वो चीज़ें बाद में की जा सकती हैं। अल्टीमेटली जॉब आपको MSc के बाद अच्छा मिलेगा, तो अभी टाइम है उसमें ना, तो अभी आप जैम कीजिए। ठीक है, अच्छा बताया आपने। हाँ, और क्वेश्चन है किसी का, या और कुछ ऐड करना चाहें कोई? चैट का आंसर लेकिन चैट में लोगों ने दे दिया ऑलरेडी, तो मुझे लगता है चैट के क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे किसी का है तो स्टिल यू कैन स्पीक अप एंड टेल। बाकी 11 बजे तक हमने रखा था, तो हम लोग 10 मिनट है, तो 10 मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए है, मेनली हम इंट्रैक्शन कराते हैं जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आप में से ही कुछ लोग अगले साल भी होंगे, और ये लोग भी जब तैयारी कर रहे थे, हम इनके सीनियर को बुलाते थे, तो वैसा होता था। सो दैट थोड़ा एक अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आए कि ये लोग कर पाए तो आप भी कर पाएंगे। और आपके जैसे ही सब हैं जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, यही लोग कल आईआईटी में जाएंगे, ये फिर आपके सीनियर होंगे, तो इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो ऐसे चैट में बहुत है। स्टिल किसी का अगर नहीं हुआ है तो बताओ, कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो स्टिल यू कैन आस्क। और सर एक पॉइंट ऐड कर लूंगा मैं आपको। जी जी सर, वो एक क्लैरिटी थोड़ा लेके आएंगे तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे जब आएंगे तो कोर्सेस में इनके साथ बीटेक, एमटेक और पीएचडी भी बैठने वाला है। सो यू विल बी अटेंडिंग द लेक्चर्स इन द सेम क्लास फ्रॉम द सेम प्रोफेसर्स। हाँ, सो उनका थोड़ा लेवल अलग होता है। दे गेट इनटू आईआईटीज फ्रॉम द जेडब्ल्यू एंट्री। जी, तो ये भी माइंडसेट बना के आना होता है कि उनके साथ कम्पीट करना है। फॉर एग्जाम्पल एएसआई के साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीटेक बैठ रहा है। एग्जैक्टली। और ऑपरेशन रिसर्च के साथ फाइनल ईयर बीटेक बैठता है। सो वो लोग ऑलरेडी 3-4 साल यहाँ पे बिता चुके हैं। सो उनका एक लेवल अलग ही था पहले जेडब्ल्यू के टाइम पे, अभी तो और बढ़ गया होगा 2-3 साल में। सो उनके साथ कम्पीट करना होता है सारे सब्जेक्ट्स में। सो थोड़ा प्रिपरेशन करके आए तो बेटर होगा। हाँ। ऐसा नहीं कि वो जैम के बाद जो 4 महीने मिल रहे हैं, सो रिजल्ट के चक्कर में वेट कर करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा अगर वैसा कर दिया तो फिर थोड़ा यहाँ स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ। ये जेन्युइन बहुत चीज़ है। मैं बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। एक्चुअली अब जो आईआईटी बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स में जो लोग हैं अभी, वो आर कोर्स पढ़ते हैं। मेरे टाइम पे मेरा 19 to 21 एमएससी है आईआईटी बॉम्बे से। तो उस दौरान और उससे पहले जितने साल थे, हम लोग C++ था फर्स्ट सेमेस्टर में, जो अभी आर है। उसमें वो बीटेक वालों के साथ कोर्स का, बीटेक कौन सा, फर्स्ट ईयर, मतलब वो बच्चा जो 12th पास करके आया है और जेडब्ल्यू निकाल के आया, उनके साथ कर रहा है। और आयरनी ये है कि हम एमएससी वाले बच्चे और बीटेक वाले बच्चे, और वो उस क्लास में 600 बच्चे होते थे एक साथ। 600 वो लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स होती है, 600 बच्चे एक साथ क्लास कर रहे हैं। उसमें एमएससी वाले भी हैं, बीटेक वाले भी हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस के साथ होती थी C++ कोर्स, एमएससी स्टैट्स, एमएससी मैथ और बीटेक कंप्यूटर साइंस, इन तीनों का कॉमन क्लास होता है 600 बच्चों का। और इसमें जो बच्चा जस्ट अभी जेडब्ल्यू क्वालिफाई करके आया, वो हमसे बेटर परफॉर्म करता था देन वी। मतलब ऐसा लगता था कि हम लोग कहाँ हैं, मतलब ऐसा होता था। बिकॉज उसकी वजह ये कि उनका बैकग्राउंड स्ट्रांग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है। वो जिस लेवल से उठ के आया है, तो उसका जो कैचअप पावर है वो ज़्यादा है दैन एमएससी वाले पर। तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, जो इन्होंने मतलब बताया। तो पहले से वर्क करके जाओगे तो यू कैन इजिली कम्पीट। अगर आप नहीं वर्क कर पाओगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। जैसे हमें मेरे टाइम पे भी आया था, क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड नहीं था। अब बीटेक वाले बच्चे इजिली कर पा रहे। लैब होता था रात को 8 से 11, मुझे याद है। उसमें जो हाथी वाली बिल्डिंग है उजली वाली, उसमें लैब होती थी C++ की कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो वैसा है। तो उस समय आप जो कोई क्वेश्चन दे रहे हैं प्रोफेसर, वो बच्चे 2 मिनट में कर ले रहे हैं कोडिंग का, हम 1 घंटे लगा रहे हैं। तो वैसा होता था, क्योंकि इतने एडवांस कोडिंग होती थी उसमें। तो अब उन्होंने आर कर दिया, तो अब ईजी हो गया कि डिपार्टमेंट लेवल पर ही कॉम्पिटिशन है। पहले बीटेक वालों के साथ था, बाकी कोर्सेस में अभी भी हैं, जैसे आप बताया आपने। तो उसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा तो आप फेस कर पाओगे, नहीं तो आप पीछे रहोगे। ये है। ठीक है जी, तो और कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया है। आगे फ्यूचर में सेशंस होते रहेंगे, तो हम फिर इनको इनवाइट करेंगे। तो जो बच्चे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये लोग खुद वहाँ पे हैं तो बेटर बता पाएंगे देन वी, क्योंकि है ना, तो अभी क्या सिस्टम है, अभी कैसे चल रहा है, तो ये लोग बेटर बता पाएंगे। तो इसलिए हम फ्यूचर में सेशन रखते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को, हरिओम, उनके फ्रेंड जो हैं उन लोगों को भी, और दीप्तांशु, नेहा, लखराज, निशा, और बाकी और भी लोग हो सकते हैं ज्वाइन किए हो, जो बता नहीं पाए हो, या मैं शायद अटेंशन नहीं दिया हूँ। प्रत्याय है। सो प्रत्याय, एक बार आपसे इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। सॉरी फॉर, मैं भूल गया बीच में। प्रत्याय आईआईटी कानपुर में है, ये भी हमारे स्टूडेंट है। दीप्तांशु के क्लासमेट है। हो अवेलेबल? हेलो सर, कैसे हो आप? हाँ मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ठीक है, कैसा चल रहा है? सॉरी मैं थोड़ा लेट आया। एक्चुअली इधर वो कल्चरल फेस्ट चल रहा है आईआईटी का, तो थोड़ा उधर से आने में लेट हो गया। हाँ, इसीलिए वो क्या नाम है उसका, साहिल और एकता सुबह सेशन ज्वाइन किए थे, उन्होंने हाँ। दिन में रख दीजिए सर। तो एक जो क्वेश्चन अभी आपके लायक ही था, आप भी डीयू में थे शायद, एमएससी कर रहे थे, राइट? हाँ। तो एक क्वेश्चन बच्चे ने भी पूछा था कि ऐसा क्यों होता है कि बच्चा डीयू छोड़ के आईआईटी चले जाते हैं, डीयू का एमएससी स्टैट्स करने को छोड़ के, 1 साल पढ़ के वो आईआईटी में स्विच क्यों करते हैं? इसका क्वेश्चन भी किसी बच्चे का था अभी। हाँ, तो बेसिकली डीयू में तो मतलब सब लोग प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए जाता है, तो उधर एकेडमिक्स उतना तो अच्छा नहीं है सच बोलूँ तो, बट हाँ तो इसीलिए शायद जो लोग का थोड़ा जो लोग एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं वो लोग उधर से स्विच कर जाता है ड्यू से। तो लेकिन अगर किसी को प्योरली प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही पढ़ना है तो मतलब फास्ट से ही पूरा फोकस प्लेसमेंट में डालना है, तो उसके लिए ड्यू भी अच्छा ही है उधर, क्योंकि उधर एकेडमिक प्रेशर बहुत ही कम रहता है। अभी फिलहाल शायद उधर अटेंडेंस वगैरह मैंडेटरी हो गया कुछ, तो अभी शायद थोड़ा ज्यादा है, लेकिन हम लोग के टाइम में तो बिल्कुल नहीं था। उसमें आपके टाइम प्रोफेसर भी कम थे, अभी बहुत लोगों को हायर किया इन्होंने, देखा मैं डिपार्टमेंट बहुत लोग आ गए हैं अब, उस टाइम शायद कम होंगे, तो अभी हो सकता है इसीलिए। बट वही एक टैग भी है, एक तो आईआईटी का जैसे आपने कहा एकेडमिक ड्यू का वीक है कंपेयर टू आईआईटी, बाकी यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन बेटर ही होंगी, कोई छोटी स्टेट यूनिवर्सिटी उठा लो तो उनसे तो बेटर होगी ड्यू, लेकिन आईआईटी से कंपेरिजन में ड्यू का एकेडमिक है ना लो होगा, देन आईआईटी में जो एकेडमिक टीचिंग है या जो भी चीज़ें हैं वो बेटर, प्लेसमेंट ऑलमोस्ट ड्यू में भी है। तो सही आंसर किया आपने ना, तो जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उनका एटलीस्ट ये हो गया होगा कि वो पूछ रहे थे प्लेसमेंट तो सेम ही है लोग क्यों छोड़ देते हैं। तो एक तो वही एकेडमिक एक्सपीरियंस है, आईआईटी का एक्सपीरियंस है, डिग्री है, टैग है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो हम लोग बाकी और प्रत्यय एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कैसे कैसे क्या हुआ। तो हमने एक ऑलरेडी एक इंटरव्यू कर रखा है प्रत्यय के साथ, साथ किया था हमने इंटरव्यू पहले शुरू में किया था शायद ना। यस सर, हाँ तो वो है, आप देख सकते हो तो चैनल पे होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा एक बार आप अपना बता दो कैसे जैम के बारे में पता चला, कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या जैम एस्पिरेंट्स को आप बताना चाहोगे ये जो अभी 2025 वाले बच्चे हैं उनको। हाँ तो मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि अभी लाइक ईयर टू ईयर क्वेश्चन का टाइप बहुत वेरी कर रहा है, तो आप लोग को हर टाइप का क्वेश्चन के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे अभी लास्ट 2 इयर्स अगर आप उठा के देखें 2023 और 2024 काफी डिफरेंस था। तो जैसे लास्ट ईयर लाइक क्वेश्चंस काफी मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड था, क्योंकि आपको आपका जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और इस साल वहाँ क्वेश्चन आपको लाइक आप जितना अच्छे प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा क्वेश्चन करके आओगे तो जैसे तो वो काट ऑफ से ही दिख जाता है कि लास्ट ईयर और इस साल का काट ऑफ। तो मेन बात यह है कि हर तरीके का क्वेश्चन के लिए आप लोग को रेडी रहना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा, मैं जो गलती किया था आप लोग मत करना। आप लोग शुरू से जब मतलब सर जब मॉक टेस्ट लेंगे उसी दिन का मॉक टेस्ट उसी दिन देना, तो वैसे हो जाएगा कि मॉक टेस्ट में आप लोग को हर तरीके का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, शायद कुछ ईजी रहेगा कुछ डिफिकल्ट रहेगा, तो वो आप रेडी हो जाओगे तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा। और तो वही है कि और मॉक टेस्ट के थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह में जो आपका कमी है वो भी ठीक हो जाएगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट में पूरा अच्छे से फोकस रहो। तो वही टाइम है, सिलेबस तो हो गया, अब सिलेबस पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पे अच्छा वर्क करो, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे जो भी गेस्ट थे आज के, मैं फिर से जैसे प्रत्यय है या दीप्तांशु है, हरिओम है, उनके फ्रेंड्स हैं आनंद और जो लोग हैं, बाकी लखराज है और नेहा थी है ना, तो ये लोग ज्वाइन किए, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन किए उनको भी थैंक यू, और कुछ क्वेरी होगा फ्यूचर में फिर हम सेशन करेंगे, और इन लोगों को थैंक यू अभी बोलना चाहिए क्योंकि ये लोग टाइम निकाल के आए हैं। अभी कानपुर में फेस्ट चल रहा है, फिर भी दीप्तांशु आया था, प्रत्यय आया है, ये लोग है, बॉम्बे वाले बच्चे भी टाइम निकाल के आए क्योंकि वहाँ बहुत एकेडमिक प्रेशर है। अगर थोड़ा टाइम भी हमारे लिए निकाल पा रहे हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि इतना वहाँ पर टेंशन रहता है पढ़ाई का, मतलब क्योंकि इतना मतलब प्रेशर रहता है स्टडी का और बाकी चीज़ों का, फिर ये लोग टाइम निकाल पाए तो we appreciate that and thank you so much everyone for joining. Thank you. Thank you sir. Bye sir. Yeah bye. Thank you.